हाँ okay, सर रेडी है ओके सर हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों इसकी सर लाल वाली बत्ती नहीं जल रही कैमरे की ये नहीं चल रहा आप गया, चल गया चल गया सर इसकी लाल बत्ती नहीं जल रही चल तो रहा है ना नमस्कार ये आपने थोड़ी देर में जो कुछ देखा ये लेट तिफी का परिणाम है आज जो कुछ हुआ है वो मैं ही लेट हुआ हूं आप लेट नहीं हैं। आप में इस कुछ इंतजार करके और चले गए हैं कुछ नए आ गए हैं जातियों का लोकतंत्रीकरण कालू राम जी ने पूछा है चलिए मुद्दा ये नहीं है जब इसी मुद्दा करेंगे तब इन सब चीजों को कर लेंगे हमारे दिमाग की ग्रीन बत्ती जलने लगी है अब पढ़ा दो बिल्कुल पढ़ा देंगे रेड बत्ती जल रही है आप झूठ बोल रहे हो ग्रीन बत्ती नहीं जल रही रेड बत्ती जल रही है आपकी चलिए आप सबको पुनः नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन देखिए इससे ज्यादा टिपिकल हिंदी में नहीं बोल सकता तो बहुत ज्यादा फॉर्मल वाले शब्द ही मुझे नहीं बोलने आते और ये हाथ लग ये कर दे वो कर दे ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन आराम से पढ़ेंगे आज क्योंकि तो मुद्दा अंतरराष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड है देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की मैं जो क्लास लूंगा उसके बाद दो दिन क्लास नहीं लूंगा फिर उसके बाद सिर्फ एक क्लास और लूं। हो लूंगा आज जितने टॉपिक हो जाएंगे उतने ठीक है उसके बाद एक क्लास सिर्फ जो न्यू टॉपिक्स जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं की लूंगा और वो भी मैं सोमवार की दूंगा तो मैंने कहा था कि नौकरी में यहां वहां चलता रहता है तो मुझे वहां भी जाना होगा तो मैं सैटरडे को वहां जाऊंगा संडे तो संडे है ही और फिर सोमवार को एक क्लास और लूंगा जो न्यू टॉपिक्स जुड़े हैं उनकी दूसरा अगर आपको लिंक नहीं मिल रहे हो या पी नहीं मिल रही हो तो क्या करें आप या इन फ्यूचर क्या हम नया कर रहे हैं कौन से बेस शुरू हो रहे हैं बंद हो रहे हैं कौन सा नया कंटेंट आया कौन सा नया मैटर है हम पीडीएफ वगैरह डालते ही रहते हैं कलाम एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लें कलाम एकेडमी का फेसबुक पेज है उसको आप देख लें कलाम एकेडमी के कोई यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल चलता है पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर तो आप वो भी है, वो भी भी है ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल तो सारी ताजा खबरें आपको मिलती रहेगी तो आरम्भ करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति करें और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम जो शुरुआत करेंगे वो हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो उपागम है उनसे करेंगे शुरुआत कलर नहीं आ रहा उपागम या अप्रोचेज ये करेंगे अपन पहले या पीजी लेवल के चलते हैं यहाँ से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके किसी भी एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन हर हालात में आते हैं जो आई पी के अप्रोचेज है उनमें से हम पहले जो अप्रोच करेंगे वो आइडियलिज्म करेंगे आदर्शवाद करेंगे तो देखिए ये दो एक दूसरे के विपरीत उपागम चलते हैं एक दूसरे के अपोजिट अप्रोचेज चलती है आदर्शवाद है तो इसका उल्टा है वो यथार्थवाद है तो पहले हम आइडियलिज्म आदर्शवाद की चर्चा करेंगे आदर्शवाद वो वाला नहीं है जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं जब हम कांट की चर्चा करते हैं या प्लेटो की चर्चा करते हैं रूसो की चर्चा करते हैं हेगल की चर्चा करते हैं ग्रीन ब्रेडले बोसांके इनकी चर्चा करते हैं ये वो वाला आदर्शवाद नहीं है वो वाला आदर्शवाद तो वो है जो राष्ट्र को आदर्श मानता है विचारों का जो उस स्तर है वो राष्ट्र के यहां होता है राष्ट्र है वो हमारा आदर्श है तो ये कोई ना कोई अपना एक आदर्श मानते हैं और उसकी प्राप्ति का प्रयास करते हैं जैसे प्लेटो के लिए आदर्श क्या है प्लेटो के लिए आदर्श एक दार्शनिक राजा के द्वारा शासित होने वाला राज्य हम उसकी चर्चा नहीं करें हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो आदर्शवाद उसकी चर्चा कर रहे हैं ये आदर्शवाद है वो उपागम या वो सोच या वो विचार जो ये कहते हैं कि मानव का स्वभाव अच्छा होता है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति है इसमें हमें शांति को 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 सौहार्दपूर्ण संबंधों वैश्विक बंधुत्व बढ़ावा देना चाहिए युद्धों की बजाय तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानव के व्यवहार में जो सकारात्मक सोच रखते हैं मानव व्यवहार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रों के मधुर संबंधों में जो विश्वास करते हैं उन विचारकों के विचारों को हम आदर्शवाद बोलते हैं ये अंतरराष्ट्रीय शांति सहयोग बंधुत्व और सार्वभौमिक नैतिकता सार्वभौमिक नैतिकता है कि नैतिकता के नियम निश्चित होते हैं सभी राष्ट्रों को उनका पालन करना चाहिए युद्ध के उन्मूलन पर यह बल देता है आदर्शवाद ये कहता है कि युद्ध और संघर्ष है ये संक्रमणकालीन है ये कभी कभी होते हैं हर हमने भी देखा है युद्ध और संघर्ष संक्रमणकालीन है आमतौर पर शांति बनी रहती है यानी इनको समाप्त किया जा सकता है कोई स्थाई चीज नहीं है विश्व सरकार व अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्थाओं की अगर हम कर लें स्थापना या फिर हम वैश्विक कानूनों का निर्माण कर लें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर शांति स्थापित हो सकती है तो वैश्विक कानून वैश्विक संस्थाएं विश्व सरकार इनकी चर्चा करता आदर्शवाद इसके जो प्रणेता है वो कौंट्स है Woodrow Wilson, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं उन्नीस सौ ग्यारह से लेके और 19 तक वुड्रो विल्सन वुड्रो विल्सन को हम तब भी पढ़ते हैं जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं लोक प्रशासन के पिता भी हैं वुड्रो विल्सन ये जो राष्ट्र संघ हमने लीग ऑफ नेशन 1919 उन्नीस में बना था उन्नीस तक आते जिसके वॉर शुरू हो गया था तो वैश्विक स्तर के ऊपर युद्धों को रोकने के लिए विभिन्न सिद्धांतकार थे प्रणेता थे वो भी वुड्रो विल्सन थे बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे बहुत बड़े डिप्लोमैट थे तो वुड्रो ये जो हम पेरिस की शांति संधि पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद

विदेश मंत्री थे इन दोनों के मध्य एक पैक्ट हुआ था एक समझौता हुआ था उन्नीस में जिसमें यह कहा गया कि हम ए विदेश नीति या नीति के रूप में युद्ध का परित्याग करते हैं यानी हम युद्ध नहीं करेंगे लेकिन यह चल नहीं पाया सभी देशों ने इसे हस्ताक्षर किए लेकिन 10 से एक साल बाद उन्नीस में लड़ाई शुरू कर दी तो कलैंग जो कलांग ब्रिया प्रेक्ट है वो आदर्शवाद से प्रेरित है हमारे यहाँ नेहरू जी का जो पंचशील है हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा है वो भी इसी आदर्शवाद से प्रेरित है तो अपने यहाँ नेहरू जी और रविंद्रनाथ टैगोर ये भी आदर्शवादी विचारक है तो नेहरू का पैक्ट कलांग्रो विल्सन के सूत्र ये सब प्रेरित आदर्शवाद से और ये हम ये कहें कि नेहरू वुड्रो विल्सन कांट कॉन्ड्रेट डेविड हेल्ड ये सब आदर्शवादी विचारक है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर नॉर्मन एंजल देखिए आदर्शवाद में बड़ी कुछ कमियां रह गई तो इसको महान भ्रम कहा है नॉर्मन एंजल ने ये कहते हैं महान भ्रम है कभी भी शांति है वो स्थायी और चिरस्थाई नहीं होती हम भ्रम भले ही पाल लें। तो आदर्शवाद के साथ ये आलोचना जुड़ी हुई है कि युद्ध संघर्ष शक्ति और राष्ट्रहित ऐसे तत्वों की अवहेलना करता है इसलिए आदर्शवाद की आलोचना की गई फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये धारा ये उपागम बहुत तेजी से फैला लेकिन उन्नीस तक आते आते जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ इस उपागम की प्रासंगिकता के ऊपर रिलायंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए और उसके बाद एक और नया उपागम तेजी से आगे आया जो वो था यथार्थवादी उपागम रियलिज्म आया तो भी यथार्थवाद क्या है हम इसकी चर्चा करते हैं यथार्थवाद रियलिज्म यथार्थवाद वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि मानव का स्वभाव हिंसक होता है स्वार्थी होता है और शक्ति प्रेमी होता है यानी प्रत्येक व्यक्ति मूलतः हिंसक और स्वार्थी होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है औरों के बारे में नहीं सोचता पहले अपने बारे में सोचता है चूंकि मानव का स्वभाव ऐसा है इन्हीं मानवों से मिलकर राष्ट्र बने हैं और यही राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेते हैं तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध शक्ति और सुरक्षा मूल तत्व है कि युद्ध करते हैं शक्ति प्राप्ति की इच्छा करते हैं और अपनी अपनी ये सुरक्षा करना चाहते हैं तो ये मूल तत्व और ये प्रभावित कैसे है कि मानव का स्वभाव ऐसा है तो स्वाभाविक राष्ट्र ही वैसे होंगे तो राष्ट्रों के मध्य युद्ध शक्ति और सुरक्षा के चक्कर चलते रहते हैं पावर पॉलिटिक्स शक्ति राजनीति इनका केंद्रीय तत्व है और राष्ट्र हित के चारों ओर घूमती है सारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति इनका ये कहना है कि जो नेशन है ये हीरो है नेशन स्टेट यानी राष्ट्र है ये हीरो है ये एक्टर हैं जितनी भी चालें चलते हैं ये राष्ट्र चलते हैं ये राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करना चाहते हैं तो हित शक्ति ये मुख्य चीजें हैं तो मुख्य करता है राज्य और राज्यों का सर्वोपरि लक्ष्य क्या ये चाहते क्या है राज्य क्यों ये युद्ध करते हैं क्यों ये शक्ति प्राप्ति करना चाहते हैं क्यों क्योंकि अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं सर्वाइव करना चाहते हैं सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल ये इनके सर्वोपरि लक्ष्य है तो शक्ति युद्ध हिंसा स्वार्थ राष्ट्रहित पावर पॉलिटिक्स नेशन स्टेट की अग्रणी संप्रभुता ये इनके मुख्य है सिक्योरिटी सर्वाइवल इनके चारों ओर घूमती है इनका यह कहना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ही अराजक है यहां अराजकता का तात्पर्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई भी ऐसी सुपर पावर नहीं है जो बाकी शक्तियों को नियंत्रित कर ले और संसार में शांति व्यवस्था स्थापित कर ले तो सभी अपने हिसाब से हर एक राष्ट्र स्वायत्त और संप्रभु है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेने के लिए कोई भी राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र के अकॉर्डिंग नहीं चलता बल्कि वो खुद अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है तो ये राष्ट्रों की संप्रभुता के ऊपर बल देते हैं हर एक राष्ट्र की स्वायत्ता के ऊपर बल देते हैं ये कि ये स्वायत्त और संप्रभु राष्ट्र हैं, ये राष्ट्र हितों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये बिल्कुल आदर्शवाद का उल्टा है अब यथार्थवादी है कौन कौन हम उनकी चर्चा करते हैं रियलिस्ट थिंकर्स कौन कौन है परंपरागत जो यथार्थवादी हैं उनका पिता है थ्यूसिडाइस थ ने लगभग जब ये प्लेटो था पैदा हुआ उस समय युद्ध हुआ था दो नगर राज्यों के मध्य सिटी स्टेट्स के मध्य वो पच्चीस तीस साल तक युद्ध चला था उस युद्ध को पेलोपोनेशियन वॉर बोलते हैं शियन युद्ध और ये हुआ था स्पार्टा और एथेंस के मध्य और एथेंस बुरी तरह हार गया था स्पार्टा से स्पाल्टिथोअल्टो तो इस युद्ध की तुलना यूएस और यूसएस के शीत युद्ध से भी करता है चलिए आगे और चर्चा कर लेंगे ये वार के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक थी थ्यूसीडाइस ने लिखी थी तो इसमें युद्धों की चर्चा इसलिए यथार्थवादी विचार का ये है प्रणेता थ कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुंजू की आर्ट ऑफ वार सुंजू चीन का बहुत बड़ा यथार्थवादी चिंतक है मेक्यावली की प्रिंस ये सारे जो व्यक्ति हैं ये थे विचारक हैं ये सब यथार्थवादी विचारक हैं अगर हम आधुनिक युग में देखें सेकंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तो मार्गन था जो कि अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे ई कार जॉर्ज कैनरी किसेंजर स्टेट सेक्रेटरी भी रहे हैं अमेरिका के तो हेनरी जॉर्ज हैनरी मार्गन थाउ नेबुर, ये सारे लोग यथार्थवादी विचार के लेकिन ये परंपरागत यथार्थवादी है फिर आया नव यथार्थवाद नियोरियलिज्म नियोरियलिज्म को हम संरचनात्मक यथार्थवाद भी बोलते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं और इसके प्रणेता है तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप ज्यादा नहीं याद रखें इतना जरूर याद रखें कि संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद किसका है तो वो का है आक्रामक यथार्थवाद आक्रामक यथार्थवाद मरसाइमर का है ये भी नव यथार्थवाद का पार्ट है लेकिन अगर नव यथार्थवाद पूछा जाएगा तो उसका मूलत संबंध केनेथ से होगा आक्रामक यथार्थवाद मरसाइमर का है अब मार्गन थाउ को करते हैं क्योंकि जब भी हम रियलिज्म की चर्चा करते हैं तो मार्गन थाउ के चारों ओर घूमती रहती है नौकरशाही की जब चर्चा करेंगे तो वो वेबर के चारों ओर घूमती है और यथार्थवाद की चर्चा करेंगे तो वो मार्गन थाउ के चारों ओर घूमती है ये जर्मनी से अमेरिका में आए थे ये शरणार्थी विद्वान थे और शिकागो विश्वविद्यालय में आई पढ़ाया करते थे इनको यथार्थवाद का पर्याय कहा जाता है जहाँ यथार्थवाद आएगा वो मार्गन थाउ जरूर आएंगे इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस पावर और पीस के लिए जो स्ट्रगल है 1948 में इनकी पुस्तक आई थी और उसके बाद यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय स्थान के ऊपर आने वाला उपागम हो गया था तो ये मार्गन थे जिन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशन लिखी इसका पूरा नाम याद रख लें कई बार पूरा नाम पूछ लेते हैं इनके प्रसिद्ध कथन है कि आईपी अंतरराष्ट्रीय राजनीति है क्या कि शक्ति के लिए संघर्ष है शक्ति साधन भी है और शक्ति साध्य भी है साधन है कि आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसका साधन है कि आप क्या चाहते हैं आपके उद्देश्य और लक्ष्य क्या है उनकी प्राप्ति करवाती है शक्ति अगर आप शक्ति है तो उनकी प्राप्ति कर सकते हैं साध्य ये है कि आप विभिन्न भी माध्यमों से शक्ति प्राप्त भी करना चाहते हैं तो ये साधन और साध्य दोनों है और ये कह रहे हैं कि वर्तमान जो परमाणु युग है वो शक्ति संतुलन का है, पावर बैलेंस का ये स्वर्ण गोल्डन एज है वर्तमान का परमाणु युग क्योंकि जो शक्तियां हैं उनके पास परमाणु बम है और इसकी वजह से सभी शक्तियों की शक्ति में आपस में संतुलन बना हुआ है मार्ग यथार्थवाद था के छह शाश्वत नियम अंतरराष्ट्रीय ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बहुत बार पूछा जाता है देखिए यथार्थवाद के ऊपर हर हालात में एक क्वेश्चन आता है और वो सब आधारित आता है अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो जरूर आ जाएगा तो इसके ऊपर फैक्चुअली कम आते हैं मार्गन, और यथार्थवाद के ऊपर इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो ये मार्गन था के नियम जिनको कहिए कि में ये तो जरूर आते हैं से एक कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार मानव प्रकृति है ह्यूमन नेचर है मार्गन थाउ कहना है कि जैसा आदमी होता है जैसा मानव है उन्हीं मानवों से मिलकर राष्ट्र बनाए तो वैसे राष्ट्र होते हैं चूंकि मानव शक्ति प्रेमी है हिंसक है युद्ध प्रेमी है इसलिए राष्ट्र भी ऐसे ही है वो भी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं इसलिए वो युद्ध करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो आधार है नींव है वो मानव प्रकृति है राष्ट्र हितों की प्रधानता कि हरेक राष्ट्र है वो अपने हितों को पूर्ति करना चाहता है ये इनका कहना है राष्ट्र हित का अर्थ क्या है ये निश्चित अर्थ नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं आज जो हित है हो सकता वो कल नहीं हो कोई एक ऐसा समय था कि हर एक देश अपनी सुरक्षा करना चाहता था दूसरे देश से आज वो नहीं है आज हर एक देश आर्थिक विकास करना चाहता है तो राष्ट्रीय हितों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता ये बदलते रहते हैं हाँ प्रधान यही रहते हैं हित राष्ट्रीय हित प्रधान होते हैं लेकिन उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है अमूर्त नैतिक नियम मान्य नहीं है यानी हरेक देश है वो जो व्यवहार करता है वो विवेकपूर्ण व्यवहार करता है विवेकपूर्ण का तात्पर्य है वो व्यवहार जिसमें कोई भी राष्ट्र अपने हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाता है तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में �कोई अगर चाल चलता है, तो वो विवेकपूर्ण चाल चलता है वो अंधी चाले नहीं चलता अमूर्त नैतिक नियमों के लिए कोई भी देश अपने अस्तित्व को अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता अमूर्त नैतिक नियम जिनने जो सुनने में अच्छे लगते हैं अब हम हम क्या करें अभी देखिए जो ये झगड़ा चल रहा है पूरा यूक्रेन और रूस का अमूर्त नैतिक नियम ये कहते हैं कि हमारा जो प्राथमिक कर्तव्य है किसी विदेश का वो मानव मात्र का कल्याण है उसकी सुरक्षा है प्रत्येक देश की संप्रभुता की रक्षा है तो क्या हम यूक्रेन के साथ है? क्या हम खड़े हैं क्या नहीं है उल्टी के हम तो रूस के साथ खड़े हैं क्यों क्योंकि हमारा जो हित है यानी हमारा जो विवेक है वो ये कह रहा है कि अभी रूस से दोस्ती में फायदा है जो यूरोपियन देश है वो यूक्रेन के साथ खड़े क्यों क्यों उनको वहां फायदा नजर आ रहा है वो रूस को घेरना चाहते हैं चीन रूस के साथ खड़ा है तो हर एक देश राष्ट्रीय हितों के अकॉर्डिंग अपने विवेकपूर्ण निर्णय करता है वो अमूर्त नैतिक नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चलता फिर ये कहते हैं राष्ट्रों के नैतिक मूल्य अलग होते हैं और सार्वभौमिक मूल्य अलग होते हैं देखिए सार्वभौमिक मूल्य तो ये है कि शांति रहे वातावरण रहे कोई भी देश दूसरे के शेप नहीं करे सब अपना अपना कार्य करें वैश्विक बंधुत्व तो हो अस्त हो लेकिन हरेक राष्ट्र का नैतिक मूल्य अलग है वर्तमान में भारत का नैतिक मूल्य क्या है भारत कह रहा है मेरा नैतिक मूल्य ये है कि मैं अपने पुराने दोस्त रूस के साथ संबंध बना के रखूं फिर ये कहते हैं नैतिकता है प्रत्येक देश अपना फायदा देखे ये है सबसे बड़ी नैतिकता तो राष्ट्रों के नैतिक मूल्य अलग अलग प्रकार से परिभाषित होते हैं जैसे उन्नीस और नब्बे में इराक के ऊपर हमला कर दिया अमेरिका और उसके अनुसंगी और सहयोगी देशों ने यूएनओ की मदद से और हमला करके ये बोला कि ये लोकतंत्र की रक्षा के नाम पे किया गया है ये सारा काम क्योंकि यहां लोकतंत्र को कुचला जा रहा है मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है तो आपने वहां जिन लोगों को मारा क्या उनके मानवाधिकारों का हनन नहीं हुआ क्या अमेरिका और नाटो के लोगों ने भागती हुई अमेरिकन सेना को पीछे से मारा तो क्या वो मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है तो देखिए वो कहते नहीं नहीं हम तो लोकतंत्र के लिए युद्ध किया लोकतंत्र में चलता है तो ये उनके नैतिक मूल्य अलग होते हैं राष्ट्रों के सार्वभौमिक मूल्यों से वो मेल नहीं खाते हर एक राष्ट्र नैतिक मूल्य बदलता रहता है अपने सार्वभौमिक मूल्य कभी बदलते नहीं है राजनीतिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से स्वायत्त होता है आर्थिक क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र और ये अलग होते हैं राजनीतिक क्षेत्र अलग होता है इसकी चालें अलग ही प्रकार की होती है ये नहीं है कि किसी भी देश के साथ हमारे आर्थिक संबंध UH अच्छे हैं तो हमारे उसके साथ राजनीतिक संबंध भी अच्छे जरूरी नहीं है जैसे चाइना है आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं लेकिन राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं है हम आपसे झगड़ते रहते हैं सीमा के ऊपर झड़पें होती ही रहती है क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से स्वायत्त है तो ये छह नियम है और कई बार इनको आप सीरीज में याद रखें अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार मानव पर करती है राष्ट्रीय हित मुख्य है राष्ट्रीय हितों का अर्थ निश्चित नहीं है हर एक राष्ट्र विवेकपूर्ण निर्णय करता है वो मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं करता वो अपना खुद का हित पहले देखता है राष्ट्रों के नैतिक मूल्य बदलते रहते हैं ये अपने अपने होते हैं सार्वभौमिक मूल्य अलग होते हैं और राजनीतिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से स्वायत्त है जे टिकनर एक नारीवादी विचारिका है इन्होंने इन छह नियमों के नारीवादी विकल्प दिए उनका यह कहना है कि ये जो मार्गें के नियम है ये पुरुष प्रधान है क्योंकि राष्ट्र युद्ध शक्ति हिंसा ये पुरुषों के भूख का नतीजा है स्त्रियां ये नहीं चाहती तो इसके नारीवादी विकल्प प्रस्तुत के इनकी आलोचना करते हुए वो जेन टिकनर ने कहा है ये था मार्गें के यथार्थवाद के छ नियम अब नव यथार्थवाद करते हैं। नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद भी बोलते हैं और मरसाइमर इसको रक्षात्मक यथार्थवाद बोलता है डिफेंसिव रियलिज्म बोलता है मरसाइमर नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद को और मरसाइमर का खुद का है वो आक्रामक यथार्थवाद है वो खुद के यथार्थवाद को तो आक्रामक बोलता है और वाल्टज वाले को वो रक्षात्मक बोलता है डिफेंसिव बोलता है आक्रामक या ऑफेंसिव यथार्थवाद का ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स फेमस बुक है की रक्षात्मक यथार्थवाद का तात्पर्य होता है कि कोई भी राष्ट्र जो भी काम करता है खुद की रक्षा के लिए करता है वह हथियार कर रहा है वो धनी हो रहा है संस्कृति का प्रचार कर रहा है तो अपनी रक्षा करना चाहता है तो हर एक देश अपनी रक्षा के लिए काम करता है मरसाइमर कहते हैं नहीं होता हर एक देश जो है वो ओप, डिफेंस में नहीं खेलता बल्कि ऑफेंस में खेलता है वो दूसरे को डराना चाहता है उसकी इच्छा होती है कि शक्ति प्राप्त मैं दूसरे को डरा दूं तो वो आक्रामक यथार्थवाद चलिए अपन कैन वाल्टज की चर्चा करते हैं संरचनात्मक यथार्थवाद बोलते हैं नव यथार्थवाद को और ये केनथ वाल्टच का है और मरसाइमर इसी को रक्षात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं केनेट वाल्टज की एक पुस्तक तो यह है मेन द स्टेट एंड वार और दूसरी पुस्तक ये है थे ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कई बार पुस्तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के तीन चित्र किसने खींचे मेन द स्टेट एंड इसमें तीन चित्र आदमी आदमियों से राष्ट्र और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनी है जिसमें युद्ध होते रहते हैं तो द मेन द स्टेट एंड वार ये है ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केंद्र बिंदु क्या है ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है जो एक्टर है वो नेशन स्टेट नहीं है जैसे पुराने वाला यथार्थ हो मार्गंथा वाला वो कहते हैं चालें जो चलते वो नेशन स्टेट चलते हैं स्वायत्त और स्वतंत्र होकर चलते हैं अपने हिसाब से वो कहते ऐसा नहीं है केंद्र बिंदु है अंतरराष्ट्रीय संरचना अंतरराष्ट्रीय संरचना कैसी है वो एक द्रुवीय है द्विध्रुवीय है बहुध्रुवीय है उसमें संप्रभुता है क्या हरेक जो देश है वो बिलट बोल की तरह बिल्कुल स्वायत्त है क्या आप कैसे टकराते हैं वो ये सारी अंतरराष्ट्रीय संरचना देखनी पड़ेगी और अंतरराष्ट्रीय संरचना है वो अराजकतावादी है अराजकतावादी का तात्पर्य ये है कि कोई भी एक ऐसा शक्तिशाली देश नहीं है जो बाकी देशों को नियंत्रित कर सके हर एक देश संप्रभु है हर एक देश स्वायत्त है क्योंकि हर एक देश संप्रभु और स्वायत्त है जो पूरी व्यवस्था बनती है वो पूरी संरचना बनती है वो अराजकतावादी बनती है अब अपन देखें अराजकतावाद क्या है देखिए जब किसी भी कक्षा में शिक्षक नहीं होगा या मॉनिटर नहीं होगा तो सारे बच्चे स्वायत्त और स्वतंत्र होंगे ऐसे में एक दूसरे संघर्ष भी करेंगे युद्ध भी करेंगे लड़ाई और झगड़े करेंगे फिर कोई वो बनाएगा किसी को पेन लगाएगा कोई किसी के कान खेगा कोई किसी से कुश्ती करेगा क्लास के अंदर कोई किसी के ऊपर वो कागज बना बना के वो गोले फेंकेगा कोई उसकी तिरकवान बनाएगा कोई उसकी जहाज बनाएगा झगड़ते ही रहते हैं क्योंकि वहां कोई एक शिक्षक नहीं है कोई मॉनिटर नहीं है जो नियंत्रित कर पाए तो कक्षा की हमने चर्चा की तो ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या कोई एक ऐसी शक्ति नहीं है जो सभी देशों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके तो क्यों है झगड़े मार्गन अंत हो कहते हैं झगड़े क्यों हैं क्योंकि मानव का स्वभाव जगड़ालू राष्ट्रीय झगड़ालू है ये कहते हैं नहीं, नहीं मानव स्वभाव नहीं है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये है कि कक्षा में कोई है नहीं बच्चे झगड़ालू हैं ये इनका ये नहीं है बल्कि बच्चे झगड़ा झगड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम कक्षा में टीचर नहीं है तो बच्चों का स्वभाव झगड़ालू नहीं है बल्कि शिक्षक का नहीं होना महत्वपूर्ण है तो अंतरराष्ट्रीय संरचना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और झगड़े इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संरचना में अराजकतावाद है तो युद्ध और संघर्ष का कारण मानव का स्वभाव नहीं है बल्कि आईपी की अराजकतावादी व्यवस्था अराजकता है तो तो शांति हेतु क्या किया जाना चाहिए तो कहता है कि शांति के लिए जो बायोपोलर व्यवस्था होती है द्विद्रुवीय व्यवस्था जैसे शीत युद्ध काल में कोल्ड वार जब चल रहा था तो सोवियत संघ और अमेरिका दो शक्तियां थी बाकी सारा संसार उनके आस पास हो रखा था इकट्ठा तो ये है द्विध्रुवीय व्यवस्था है ये आदर्श व्यवस्था है शांति हेतु ये आवश्यक है तो ये, तो ये नव यथार्थवाद क्या पूछा जा सकता है कि ये किसको महत्वपूर्ण मानते थे तो अंतरराष्ट्रीय संरचना को महत्वपूर्ण है। है तो मानते हैं शांति हेतु किसको ये ज्यादा आदर्श मानते हैं दुरी ध्रवीय व्यवस्था को बहु द्रुवीय और एक ध्रुवीय की बचाए युद्ध और संघर्ष का कारण क्या है यथार्थवाद कहता है मानव स्वभाव कहता है ये कहते हैं नहीं ये है अंतरराष्ट्रीय संरचना की अराजकता अब आ गया परंपरावाद वर्सेस विज्ञानवाद ट्रेडिशनल वर्सेस साइंटिफिक अप्रोच या व्यवहारवाद कह लीजिए इसको विज्ञानवाद को अनुभववाद कह लीजिए परंपरावाद वो है जो मूल्यों के ऊपर बल देता है परंपरागत संरचनाओं संस्थाओं के ऊपर बल देता है औपचारिक संस्थाओं के ऊपर बल देता है वो परंपरावाद है व्यवहारवाद जो अनौपचारिक संरचनाओं के ऊपर बल देता है या विज्ञानवाद उसी को बोलते हैं जो तथ्यों के ऊपर ज्यादा बल देता है परंपरावाद और विज्ञानवाद के मध्य जो पूरी बहस चली इसे महान बहस किसने कहा कहा है है तो ये ग्रेट डिबेट विज्ञानवाद के मध्य महान बहस मार्टिन कैपलोन ने कहा है। इन दोनों के मध्य महान बहस ये जो डेविड सिंगर हैं ये कहते हैं कि परंपरावाद और विज्ञानवाद है ये दो भिन्न बौद्धिक शैलियां हैं सोचने के दो अलग अलग तरीके अब ये परंपरावाद कहाँ आया देखिए ये पूछते हैं हमारे इसके मध्य महान बहस हुई किसने कहा है ये दो बौद्धिक भिन्न शैलियां हैं डेविड सिंगर ने कहा ये क्वेश्चन आते हैं सीधे परंपरावाद परंपरावाद से संबंधित स्कूल कौन से हैं तो आपने बहुत सारे शिकागो स्कूल फ्रैंकफर्ट स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल ये स्कूल किए थे हमने वियना सर्किल प्रिस्टन विश्वविद्यालय उसके बाद इंग्लिश स्कूल और इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ते बल्कि हम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल प्रोसेस में पढ़ते हैं तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परंपरावादियों का है इंग्लिश स्कूल या ब्रिटिश स्कूल यहां के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये जो विचारक हुए और कैम्ब्रिज के अंदर उन विचारकों ने परंपरावाद को बढ़ावा दिया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मूल्यों को बढ़ावा दिया तो इंग्लिश स्कूल और ब्रिटिश स्कूल है ये कुछ उदार यथार्थवाद का या परंपरावादियों का स्कूल है उदार यथार्थवादियों का या परंपरावादियों का इंग्लिश स्कूल या ब्रिटिश स्कूल ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परंपरावाद से संबंधित इतना मान लीजिए या उदार यथार्थवाद से संबंधित है कौन कौन से विचारक है इसके तो मुख्य विचारक है वो है हेडले बुल

अब मार्टिन वाइट भी ब्रिटिश स्कूल के या इंग्लिश स्कूल के एक परंपरावादी विचार का मार्टिन वाइट इनकी पुस्तक है इंटरनेशनल थ्योरी थ्री ट्रेडिशंस ये पुस्तक का नाम है अंतरराष्ट्रीय राजनीति तीन ट्रेडिशंस कौन कौन से तीन ट्रेडिशंस है तो एक है रियलिज्म यथार्थवाद देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि मार्टिन वाइट ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल थ्योरी मैं जो थ्री ट्रेडिशन बताए वो कौन कौन से हैं? तो उन्होंने तीन ट्रेडिशन को मिला यथार्थवाद को रैशनलिज्म तर्क बुद्धिवाद को और रिवोल्यूशनलिज्म क्रांतिवाद को हमने परंपरावाद में ब्रिटिश स्कूल में हेडले बुल और मार्टिन व्हाइट की चर्चा की और मैंने कहा मार्टिन व्हाइट हेडले बुल पे क्वेश्चन आ सकता है पुस्तक आ जाए सिद्धांत आ जाए अब हम व्यवस्था सिद्धांत की चर्चा करेंगे सिस्टम थ्योरी सिस्टम थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में सोशियोलॉजी से आई और सोशियोलॉजी में इसको जो लाए थे वो लाए थे पार्सन्स फिर सोशियोलॉजी से पॉलिटिकल साइंस में डेविड स्टल लाए द पॉलिटिकल सिस्टम इनकी पुस्तक है उन्नीस तो में आई थी फिर तुलनात्मक राजनीति में इसका प्रयोग किया आमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के नाम से और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्टिन कैपलोन इसके मुख्य विद्वान है और इनकी पुस्तक ही देखिए सिस्टम है इनके शुरुआत में सिस्टम एंड प्रोसेस इन आईपी 1957 में पुस्तक आई थी ये व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवाद से विज्ञानवाद और अनुभववाद से प्रभावित है एम्पेरिकल सिद्धांत है ये व्यवस्थाएं कहते हैं जो एक के बाद एक आई है पहली है शक्ति संतुलन शक्ति संतुलन व्यवस्था सबसे पहले थी ये लगभग देखिए डेढ़ सौ दो सौ साल तक रही थी इस व्यवस्था में पांच छह महाशक्तियां होती है और एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करती है वो शक्ति संतुलन की व्यवस्था है फिर शिथिल द्विध्रुवीय पूरा संसार दो ध्रुवों में बंट जाता है लेकिन उनके बीच में कुछ नॉन स्टेट एक्टर भी बने रहते हैं यानी यूएनओ है नेम जैसे संगठन है उनके मध्य बने रहते हैं उनके मध्य समझौता कराते रहते हैं कुछ ऐसे भी देश हैं जो दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होते वो स्थिर द्विध्रुवीय है यानी द्विध्रुवीय दो ध्रुव बन जाते हैं लेकिन स्थिर है बीच में और संगठन भी काम करते रहते हैं फिर आती है कठोर द्विध्रुवीय इसमें पूरा संसार दो भागों में बंट जाता है यहां तक कि यूएनओ भी अप्रासंगिक हो जाता है उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है नेम वगैरह की वैल्यू है स्वतंत्र और स्वायत्त जो राष्ट्र ये कहते हैं कि हम किसी भी गुट में नहीं है गुट निरपेक्ष है वो भी गुटों में बन जाते हैं कठोर है उसके बाद सार्वभौम व्यवस्था आती है यूनिवर्सल सिस्टम आता है यूनिवर्सल सिस्टम में यूएनओ हावी हो जाता है अंतरराष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सार्वभौम व्यवस्था आती है और देखिए बीच में से एक व्यवस्था गायब है वो है हयरकिल पद सोपानी इसमें क्या होता है एक महाशक्ति खड़ी हो जाती है और बाकी महाशक्तियां उसके पिछल लगू हो जाती है ये है ये एक है फिर ये दो तीन चार फिर ये पांच और फिर ये छह व्यवस्था है इसमें एक बड़ी शक्ति होती है बाकी उसकी पिछलघु शक्तियां होती है ये ऐसी व्यवस्था है जैसे एक अमेरिका हो गया उसके बाद उसके बाद के देश लाइन से आ जाते हैं और अंतिम जो व्यवस्था है वो है इकाई विटो एकाई वीटो का तात्पर्य है हर एक देश अपने आप में वीटो करने की क्षमता रखता है हर एक देश के पास परमाणु बम आ जाता है और वो अपनी सुरक्षा में स्वयं सक्षम हो जाता है कोई भी देश कितना ही और दृष्टि से शक्तिशाली भले ही हो वो दूसरे उस देश को धमका नहीं सकता जो भले ही गरीब और छोटा हो लेकिन उसके पास परमाणु बम होना चाहिए ये एकाई वीटो व्यवस्था है ये वैसी है जैसे हॉप्स की व्यवस्था है यानी ये मारकूट की व्यवस्था है मत्स्य न्याय वाली व्यवस्था है जहां सारे देश अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं कोई चीज से कम नहीं समझता ऐसे तो मत्स्य न्याय व्यवस्था वाली व्यवस्था इकाई वीटो है तो ये एक के बाद एक आती है देखिए एक लिखी हुई नहीं थी वो आप लिख लेना शक्ति संतुलन स्थिर दुवी द्रुवीय कठोर दुवी द्रवीय सारो बोम उसके बाद हायरकि उसके बाद इकाई वीटो ये एक के बाद एक आती है ये चक्कर है ये रुकती नहीं है और इनका बैलेंस ये भी याद रखें कैपलोन की जो व्यवस्था सिद्धांत है उसमें यह पूछा जाता है कि कौन सी व्यवस्था चर्चा नहीं की या इनको आप सीरीज से लगाइए यह पूछा जाता है एक मिनट में आप डिस्टर्ब करूंगा आपको मैं हिंदी भूल गया था पद सोपानी वही है सही है सोपानी को बोलते हैं पद सोपानी आर कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहां से जरूर क्वेश्चन है इन छह व्यवस्थाओं के आप नाम याद रखें और ये भी ध्यान रखें कि कैसी एक के बाद एक आती है अब हमने दो सिद्धांतों कर लिए महान बहस कर ली जैसा कि मार्टिन कैपलोन कह रहे हैं परंपरावाद वर्सेज विज्ञानवाद अब हम उदारवाद वर्सेज मार्क्सवाद करेंगे उदारवाद में एक है गणतांत्रिक उदारवाद कांट और माइकल डायल इसके समर्थक हैं कांट की एक पुस्तक है परपेचुअल पीस चिरस्थाई शांति कि संसार में चीज शांति कब आएगी जब इस विश्व में राजतंत्र समाप्त हो जाएंगे और गणतंत्र आ जाएंगे क्योंकि राजतंत्र में राजा जो युद्ध करते हैं वो अपने अहम तुष्टि के लिए करते हैं प्रजा कभी युद्ध नहीं चाहती तो जब गणतंत्र आ जाएंगे और जनता के हाथ में निर्णय क्षमता आ जाएगी उस दिन युद्ध शक्ति और राजनीति ये सब समाप्त हो जाएगी और उस दिन पीस आ जाएगी शांति आ जाएगी और ऐसे में फिर पैसेफिक यूनियन का हमें निर्माण करना चाहिए जो पूरे संसार में शांति को बढ़ावा देने वाले यूनियन पैसेफिक यूनियन विभिन्न देश मिलकर ऐसे यूनियन गठित करेंगे और ऐसे एक विचारक है माइकल डायल इन्होंने लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत दिया है यानी जो राजतंत्र है तानाशिया हैं ये युद्ध को बढ़ावा देती है लेकिन लोकतंत्र है वो शांति को बढ़ावा देते हैं लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते ये कहना है माइकल डोयल का ये बहुत ज्यादा गया है कि लोकतांत्रिक शांति तो का सिद्धांत किसका है माइकल डायल गणतांत्रिक उदारवाद से निकला हुआ है तो हमने एक उदारवाद किया दूसरा उदारवाद है जटिल अन्योन्यासा कि इस संसार में युद्ध और अव्यवस्थाएं और शक्ति संघर्ष ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं क्योंकि तो धीरे धीरे विभिन्न देश हैं ये आपस में जटिल रूप से अन्योन्याश्रित हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूप से इंटरडिपेंडेंस हो रहे हैं हर एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो रहा है कोई भी देश किसी भी मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है एक मामले में तो दूसरे में नहीं है अगर किसी के पास तेल है तो उसके पास गेहूं नहीं है तेल और गेहूं दोनों पानी नहीं है अगर तीनों है तो टेक्नोलॉजी नहीं है तो किसी न किसी देश के पास किसी न किसी चीज की अवश्य कमी है अमेरिका हो चाहे वो जर्मनी हो फ्रांस हो ब्रिटेन हो ये भी विभिन्न वस्तुओं को लेके दूसरों के ऊपर निर्भर है विभिन्न सेवाओं को लेके तो कोई भी देश है वो डिपेंडेंट इंटरडिपेंड वो सॉरी नहीं है ना वो फ्री नहीं है बल्कि इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर निर्भर है और कॉम्प्लेक्स रूप से निर्भर है विभिन्न मामलों में तब भी एक के तो ऊपर है, तो है, है तो जटिल अनुता का सिद्धांत है कि जैसे जैसे अनुयाश्रियता बढ़ती जाएगी इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी देश फिर युद्ध नहीं करेंगे बल्कि शांति से रहेंगे रॉबर्ट कोहेन और जोसफ नाय दिया जटिल अनुनाश्रियता का सिद्धांत कोहन ने रॉबर्ट और कोहन ने एक शब्द गढ़ा है आरमे रिवोल्यूशन एंड मिलिट्री अफेयर के समकालीन समय में और विशेषकर उन्नीस सौ नब्बे है यहां इसका तात्पर्य है कि अब इनकी बजाय कुछ और चीजें भी महत्वपूर्ण हो गई है पेरा पूरा ध्यान सिर्फ सैन्य शक्ति पर उसकी बजाय आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के ऊपर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और जोसेफ नाए ने एक बहुत जोरदार पुस्तक लिखी है सॉफ्ट पावर जोस्फ नाई हम आगे चर्चा करेंगे सॉफ्ट पावर को क्या है सॉफ्ट पावर का तात्पर्य सांस्कृतिक शक्ति कूटनीतिक शक्ति राजनीतिक शक्ति ये सब सॉफ्ट पावर के तहत था। आता है ना कहते हैं कि वर्तमान युग है ये सॉफ्ट पावर का, का, का है ये हार्ड पॉलिटिक्स का नहीं है बल्कि लो पॉलिटिक्स का है ये हार्ड पावर का नहीं है बल्कि सॉफ्ट पावर का टाइम है ये सैन्य शक्ति की बजाय ये सांस्कृतिक शक्ति का युग है ये है सॉफ्ट पावर जोस्फ ना ने सॉफ्ट पावर शब्द है गडा है ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है सॉफ्ट पावर जोसेफ नाय आर कोहेन जटिल अनन्या श्रिता रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाय गणतांत्रिक उदारवाद कांट व माइकल डायल लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत माइकल डायल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फलनवाद फंक्शनलिज्म लीजा। फंक्शनलिज्म का तात्पर्य है कि विभिन्न देशों के आपसी जो संबंध हैं वो किन प्रकारियों के आधार के ऊपर संचालित तो होते हैं इसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है डेविड मित्रेणी ये कहते हैं कि संसार में शांति कब आएगी कब देशों के संबंध अच्छे होंगे कब सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़ेगा प्रत्येक देश की संप्रभुता वो समान और सुरक्षित मानी जाएगी तो डेविड मित्राणी का कह रहा है कि दो क्षेत्र होता है एक होते हैं राजनीतिक क्षेत्र ये दो क्षेत्रों को महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरे होते हैं आर्थिक क्षेत्र ये कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में समझौते बहु संभव नहीं होते क्योंकि हर एक देश के सींग है वो गड़बड़ करते हैं हर एक देश की बड़ी मुंस है ये दिक्कत करती है तो कोई भी देश झुकना नहीं चाहता मोदी जी भी नहीं चाहते कि मेरी छुई ऐसी बन जाए कि इन्होंने पाकिस्तान से समझौता कर लिया तो क्योंकि राजनीतिज्ञ हैं अब वहां का जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शरीफ वो भी शरीफ वो भी नहीं चाहता कर लिया तो ये समझौता करना तो चाहते हैं लेकिन अहम आड़े आता है राष्ट्रीय अहम आड़े आता है उग्र राष्ट्रवाद इनके आड़े आ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए तो डेविड मित्रे ने कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र को अलग कर दो कौन से क्षेत्र को आगे बढ़ाओ कहां समझौते करो आर्थिक क्षेत्र में व्यापारियों को आपसे मिला लो व्यापार शुरू कर दो जैसे हमने चीन के साथ क्या कर रखा है राष्ट्रीय क्षेत्र को अलग कर दिया है आर्थिक क्षेत्र को अलग कर दिया तो आर्थिक क्षेत्र में हमारा सहयोग बढ़ता जा रहा है भले ही हम हाथ नहीं मिलाए लेकिन जेबें वेबें वे वे आपस में मिल रही है तो इन्होंने फिर इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन तब होगा जैसे यूरोप का इंटीग्रेशन वगैरह हुआ है तो इंटीग्रेशन थ्योरी है कि विभिन्न देशों को आर्थिक मामलों में एक दूसरे के साथ एकीकरण करना चाहिए ये है फलनवाद डेविड मित्रेनी का फिर नव फलनवाद आया अर्नेस्ट होस का अर्नेस्ट होस बोले राजनीतिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि तो कल को आपने आर्थिक संबंध बना भी लिए तो राजनेता आपके व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे आयात निर्यात के के ऊपर नीतियां बना के, तो कैसे चलेगा तो ये कहते हैं कि दोनों को साथ चलाना पड़ेगा ये है, नियो और नियो से निकली हुई स्पिल ओवर थ्योरी है जो स्पिल ओवर थ्योरी स्पिल ओवर थ्योरी क्या है कि अगर एक बार आप संबंधों की शुरुआत कर दीजिए कहीं से भी उसके बाद संबंध अपने आप ही है वो बिखरने लगते हैं बिखरने का तात्पर्य है कि आप एक देश से आप खेल के संबंध स्थापित कर दीजिए फिर उस एक खेल से फिर फिल्मों के संबंध स्थापित हो जाएंगे फिर धार्मिक पर्यटन शुरू हो जाएगा फिर आर्थिक संबंध शुरू हो जाएंगे फिर आर्थिक संबंधों से व्यापारिक दबाव डाले तो राजनीतिक संबंध भी शुरू हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं थ्योरी यानी छलकने का सिद्धांत आप एक बार कोई काम शुरू कीजिए फिर चीजें छलकती जाएगी और संबंध बढ़ते जाएंगे ये स्पिल ओवर थ्योरी है ये नौ फलनवाद से निकली हुई है नियो फंक्शनलिज्म से निकली हुई तो हमने फलनवाद फंक्शनलिज्म किया डेविड मित्री का नौ फलनवाद क्या नेक्स्ट का स्पिल ओवर थ्योरी पूछा हुआ है स्पिल ओवर थ्योरी अब आगे है मार्क्सवाद इसमें एक साम्राज्यवाद का सिद्धांत है देखिए मार्क्सवाद चाहता क्या है मार्क्सवाद चाहता है कि पूरे विश्व में समाजवाद आ जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर सर्वहारावाद आ जाए सभी देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो कोई भी देश किसी भी दूसरे देश का शोषण नहीं करे प्रत्येक देश को आत्मनिर्णय का अधिकार हो ये आत्मनिर्णय क्या होता है आत्मनिर्णय का तात्पर्य है कि सैंतालीस से पहले हमें आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं था प्रत्येक देश निश्चय करेगा कि उसके जो शासक वर्ग है वो कौन हो तो हमें आत्मनिर्णय करने का मौका कब मिला था 1947 में यानी कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर कब्जा नहीं करेगा यह चाहता है मार्क्सवाद मार्क्सवाद पूंजीवाद की समाप्ति चाहता है निजी पूंजी की समाप्ति चाहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये मजदूरों को एक करना चाहता है तो मार्क्सवाद है ये अंतरराष्ट्रवाद का समर्थक है ये आप ध्यान रखें ये एक ऐसी विचारधारा है जो अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन करती है हालांकि मैक्स इसने कार्ल मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर कोई डिटेल स्टडी नहीं की है बहुत कुछ नहीं लिखा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर लेकिन चाहते अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्र जो बनाए जाते हैं राष्ट्र की जो सीमाएं निर्धारित की जाती है ये बुर्जुआ के द्वारा निश्चित की जाती है अपने ही देश के सरोहारा का शोषण करने के लिए तो ये कहते हैं मजदूरों का कोई देश नहीं होता उनके लिए कोई सीमा नहीं होती अब है साम्राज्यवाद का सिद्धांत ये जो अलिन वगैरह है इनका है ये लेलिन व्लादिमिर लेलिन यूएसएसआर के प्रथम राष्ट्रपति इनका इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट ऑफ कैपिटलिज्म कि जब कैपिटलिज्म ग्रोथ करता है पूंजीवाद ग्रोथ करता है तो एक देश में वो समा नहीं पाता वो फिर दूसरे देशों पर कब्जा करता है बड़े बाजार के लिए तो वो फिर साम्राज्यवाद का निर्माण करता है जैसे ब्रिटिश पूंजीवाद ने क्या किया कच्चे माल की प्राप्ति के लिए और तैयार माल के बाजार ढूंढने के लिए पचासों देशों के ऊपर कब्जा कर लिया तो इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म

नव उपनिवेश बना लेंगे जैसे भारत है ये उपनिवेश नहीं है लेकिन बाद में विभिन्न पाश्चात्य देशों ने इन थर्ड वर्ल्ड के देशों के आर्थिक संसाधनों का क्षण जारी रखा विभिन्न तरीकों से तो उसको बोलते हैं नव उपनिवेशवाद रोजा लग्जमबर्ग है वो भी ऐसा ही मानते मानतेमेशन ऑफ कैपिटल कैपिटल

डेवलप क्यों नहीं हो पाए विकसित क्यों नहीं हो पाए ये अनडेवलप भी नहीं है ये डेवलप भी नहीं है डेवलप्ड है। यानी यह विकसित भी नहीं है अविकसित नहीं है बल्कि है। इसका कारण क्या है तो इसका कारण खोजने के लिए राहुल प्रेबिस के नेतृत्व में एक एकला करके इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ लेटिन अमेरिका करके और एक कमेटी बनाई गई यूएन के द्वारा एकला और इन्होंने कहा कि इसका मूल कारण है निर्भरता ये जो लैटिन अमेरिकन देश और बाद में थर्ड वर्ल्ड में बाकी एशिया अफ्रीका में भी आई ये नीति तो ये क्यों है आज भी विकासशील क्यों ये विकसित नहीं हुए इसका मूल कारण ये है कि ये जो लैटिन अमेरिकन अफ्रीकन और एशियन देश है इनके पास कच्चा माल है इनके पास जनता है भीड़ है लेकिन इन पास टेक्निक्स और पूंजी नहीं है तो टेक्निक और पूंजी के लिए ये निर्भर है विकसित देशों के ऊपर और वो विकसित देश अपनी पूंजी और टेक्निक के बल के ऊपर उनके कच्चे माल का शोषण करते हैं जैसे भारत के पास लोहा है जापान के पास टेक्नोलॉजी है होंडा मोटरसाइकिल बनाने की तो वो ना दस हजार रुपए ज्यादा जाद से ज्यादा दस हजार रुपए क्विंटल में लोहा खरीदता है और अपनी टेक्नोलॉजी और पूंजी मिला के उसका एक मोटरसाइकिल बना देता है एक क्विंटल लोहे में वो एक मोटरसाइकिल बनाता है तो अस्सी हजार का मिल रहा है तो वो सत्तर हजार रुपए में है वो ऐसे करके टेक्नोलॉजी और पूंजी के बल के ऊपर शोषण करता है तो ये है निर्भरता सिद्धांत कि अगर हम एक होता है अंतर निर्भरता अंतर निर्भरता में तो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं निर्भरता एक तरफा ज्यादा होती है ये कि इसमें विकासशील देश विकसित देशों के ऊपर निर्भर है उनका मुंह ताकते रहते हैं पूंजी के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए एजी फ्रेंक कहते हैं अलभ इसे अलग विकास का सिद्धांत बोलते हैं अलग विकास का मूल कारण ये निर्भरता है वालर ने विश्व व्यवस्था मॉडल दिया है इसको केंद्र प्रीधि मॉडल ये सारी निर्भरता मॉडल केंद्र प्रीति है केंद्र के अंदर है वो विकसित देश है और प्रीधि के ऊपर विकासशील देश है

एक और घेरा जो नए विकसित है उनसे थोड़े से कम है और बाहर है वो ये गरीब देश है तो ये देश इनका शोषण करते हैं और ये इनका शोषण करते हैं और बाहर वाली पेरीफेरी का दोहरा शोषण होता है ये कहना है वॉलोस्टिन का कि ये दो स्तरीय नहीं है बल्कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है पर ये भंग नहीं हो सकती सेंटोस निर्भरता की चर्चा करते हैं नियो डिपेंडेंसी की चर्चा करते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनिया आई है या टेक्नोलॉजी है हथियार है इनके माध्यम से ये जो विकसित देश हैं ये विकासशील देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए रखते हैं इनको पहले विकासशील देशों को लड़ाते हैं फिर उनको हथियार बेचते हैं तो विकासशील देश हथियारों के लिए टेक्नोलॉजी के लिए पूंजी के लिए विकास के लिए कंपनियों के लिए उनका मुंह देखते रहते हैं निर्भरता सिद्धांत था जो मार्क्सवाद से प्रभावित है मार्क्सवाद कहता है कि जो मजदूर प्राप्त करता है मेहनत करता है उसका हक है वो पूंजीपति खा जाता है। ऐसे ही विकासशील देशों का जो हक है वो विकसित देश खा जाते हैं। कच्चे माल और तैयार माल के जो रेट में अंतर है वो ही अमीरी और गरीबी का कारण है तैयार माल है ये विकसित देशों के पास होता है और कच्चा माल वो सस्ता होता है वो होता है देशों के पास अब है रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म वेंट कई है इसके, वगैरह, लेकिन हम अलेक्जेंडर वेंट की चर्चा करेंगे इनकी बुक है सोशल ऑफ आईपी। देखिए सोशल ये थे इनका जो रचनावाद है वो सामाजिक रचनावाद है और इनकी ये जो पुस्तक है सोशल थ्योरी ऑफ आईपी ये केनेथ की पुस्तक के विरोध में लिखी हुई है केनेथ वाल्टर जो कि नव यथार्थवादी है इन्होंने पुस्तक लिखी थी थियोरीज ऑफ आईपी उसी के विरोध में लिखी गई है सोशल थ्योरी ऑफ आईपी ये 1979 में इसके 20 साल बाद आई है सोशल थ्योरी ऑफ आईपी ये सामाजिक रचनावाद है अलेक्जेंडर वेंट का सीधा याद है सामाजिक रचनावाद किसका है तो अलेक्जेंडर वेंट का है एनार्कि इज वाट स्टेट मैक्स ऑफ इट की अराजकता क्या है क्योंकि हमने देखा थोड़ी देर पहले किस का पूरा जोर है, वो अराजकता के है ये कहते हैं अराजकता स्वाभाविक है वेट कहते हैं नहीं मेरे भाई कैन वाल्ट ऐसा नहीं है अराजकता वही है जो स्टेट डिसाइड करते हैं अपने लिए यानी कोई भी व्यवस्था वैसी ही होगी जैसे राज्य निर्धारित कर लेंगे अगर अराजकता अगर स्थायी तत्व होता तो व्यवस्थाएं बदलती नहीं फिर तो एक जैसी रहती है हम कहते हैं कि मनुष्य है वो बुरा है मनुष्य झगड़ालू है तो ये हमारी सोच है अगर हम कहते नहीं नहीं हम तो, तो अच्छा बने तो हम अच्छे बन जाएंगे तो जैसे हम हमारी सोच को रखेंगे विचारों को रखेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे तो सोच को बदलना जरूरी है विचारों को बदलना जरूरी है ये दुनिया विचारों से निर्मित है ये कहना है रचनावाद का तो एनआर की वही है जिसको हम बनाना चाहते हैं वैसी है तो ये कहते हैं अराजकता की तीन संस्कृतियां अराजकता को स्थायी तत्व नहीं है होपशियन संस्कृति ये कहते हैं कि जब तक ये वेस्ट की संधि नहीं हुई थी सोलह सो उससे पहले सभी देश अपने आप को शक्तिशाली समझते थे संप्रभु समझते थे और बुरी तरह आपस में झगड़ते थे मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी किसी की भी सीमाएं निश्चित नहीं थी झगड़ालू प्रवृत्ति थी कहीं भी शांति नहीं थी होब संस्कृति है फिर लोगों की सोच बदली और सोलह सो अड़तालीस के अंदर है वेस्ट की संधि हो गई अब राष्ट्र राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई और प्रत्येक देश ने कहा कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे एक दूसरे के मामले हस्तक्षेप नहीं करेंगे हालांकि एक दूसरे से बनती नहीं थी लेकिन एक दूसरे के साथ संबंध खराब भी नहीं थे झगड़ते भी नहीं थे यहाँ तो बुरी तरह झगड़ा हो रहा है होबिशियन में यहाँ चुपचाप बैठे हैं किसी को किसी से मतलब नहीं है ये लोकियन है और तीसरी संस्कृति वो कांटियन है इसमें देश यहाँ झगड़ते हैं यहाँ एक दूसरे से आस्ेप करते हैं कोई मतलब नहीं रखते एक दूसरे की संपर्कता का सम्मान करते हैं और यहाँ एक दूसरे से दोस्ती करते हैं तो अराजकता है क्या जैसा आप बनाओगे वैसे ही बन जाएंगे होब्स के टाइम कुछ और सोचा हमने लोक के टाइम कुछ और सोचा कांट के टाइम कुछ और सोचा तो चीजें विचार बदलते हैं तो अराजकता की परिभाषाएं बदलती रहती है तो कौन करता है अराजकता की तीन संस्कृतियों की चर्चा कौन करता है और कौन सी तीन है ये है हैब्सियन लोक और कान्टियन क्या ये होन लोकिन मार्क्सियन है क्या नहीं है ये लोक और कांटी के ऊपर है ये तीनों ये तीनों तो याद रखें कौन सी है और ये अराजकता की तीन की तीन संस्कृतियों चर्चा कौन करते हैं अलेक्जेंडर वेंट जो तो कि रचनावादी है इनका रचनावाद है सामाजिक रचनावाद इनकी पुस्तक है सोशल थेरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अब आ गया संसार सिद्धांत कार्ल डाइस का ये अब हम तीन ऐसे सिद्धांत करेंगे जो व्यवहारवाद से प्रभावित है ये है कम्युनिकेशन थ्योरी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति वैसी है जैसे संसार होता है विभिन्न देशों के मध्य आपस में संचार की स्थिति क्या है वैसी ही चलती अंतरराष्ट्रीय राजनीति काल कार्लडाइज की पुस्तक है द ऑफ गवर्नमेंट की जैसे शरीर के अंदर नर्व सिस्टम अगर सही है तो सब कुछ सही है वही इनका कहना है कार्ल डाइस की बहुत ही फेमस बुक है तो कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन अप्रोच या संप्रेषण अप्रोच ये कार्ल डाइस की की है की है कार्ल डाइस कहना कि शक्ति महत्वपूर्ण समस्या नहीं है महत्वपूर्ण है स्टीयरिंग कि चीजों को चलाया कैसे जाए तो किसी भी व्यवस्था उसमें स्टीयरिंग महत्वपूर्ण होता है बस है उसमें स्टीयरिंग है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्टेयरिंग जिसको आप स्टीयरिंग बोलते हैं स्टीयरिंग वो महत्वपूर्ण चीज है कि अगर स्टीयरिंग सही है संचालन सही है संसार सही हो रहा है तो सारी चीजें सही चलेगी अब है इसकी संकल्पनाएं और शब्दावलियां से से साइबरनेटिक। साइबरनेटिक, जहाज का जो नियंत्रण व्यवस्था होती है उसको क्यूबरनेटिक बोलते हैं तो साइबरनेटिक होता है नियंत्रण व संतुलन यानी किसी भी व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन तभी बना रहता है जब उसमें संचार अच्छा हो आप गिर क्यों जाते हैं आप संतुलन क्यों नहीं बना पाते अपनी बॉडी के ऊपर क्यों क्योंकि आपके नर्व सिस्टम वो गड़बड़ हो जाती है संसार जैसी गड़बड़ होता है आपके वगैरह हो जाता है नर्व में गड़बड़ ही या आप गिर जाते हैं आप बैलेंस नहीं बना पाते तो साइबरनेटिक नियंत्रण संतुलन फिर आता है रिसेप्टर इफेक्टर रिसेप्टर वो होते हैं जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं इफेक्टर जो सूचनाओं से प्रभावित होते हैं चैनल वो होते हैं जो सूचनाओं को लाते और ले जाते हैं कि जैसे यूएन एक चैनल है विभिन्न देशों के मध्य शांति स्थापना का ये जो क्वाड है ये चार देशों के मध्य एक चैनल है तो ये चैनल्स होते हैं जो एक दूसरे के देशों का स्थापित करते हैं इन चैनल में चीजों को ले जाने का लोड कितना का है तो लोड कैपेसिटी होती है लोड होता है कि चैनल के ऊपर भार कितना का जैसे यूनो कितना काम करती है क्वाड कितना काम करेगा या गुट निरपेक्ष नेम था वो कितना लोड उठा पाता था ये लोड होता है फिर है लोड कैपेसिटी हर एक चैनल की लोड की एक कैपेसिटी होती है हमने देखा कि यूएनओ 1990 के बाद एप प्रभावी हो गए उसकी कैपेसिटी कम हो गई तो लोड कैपेसिटी पे किस चीज का प्रभाव पड़ता है कि एक ग्रहणशीलता वो उसकी वो कितना ग्रहण कर पाता है कोई चैनल है उसको लोड को उसकी रिसेप्टिविटी कितनी है इसके ऊपर निर्भर करता है कई चैनल होते हैं वो कम लोड ले पाते हैं विश्वास नहीं था। है फर्टिलिटी कितनी क्या कई चैनल होते हैं उस पर विश्वास नहीं करते लोग कि ये ऐसा काम कर देगा क्या फिर होता है बैकग्राउंड नॉइज बैकग्राउंड नॉइज भी चीजों को प्रभावित करता है पृष्ठभूमि में शोर है ये पृष्ठभूमि में शोर हो रहा हो तो संसार सही नहीं चलता तो संसार को प्रभावित करता है कि चैनल की कैपेसिटी कितनी है जो सूचनाओं को ले जाने ले जाने वाले उन तो विश्वास है क्या लोगों का बैकग्राउंड नॉइज कितना का है ये भी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज होगा तो संसार सही नहीं पहुंचेगा और कितना संसार में और जो संदेश है उनमें डिस्टोर्शन या तोड़ मरोड़ कितना किया गया इससे भी प्रभावित होती है लोड कैपेसिटी तो ये चार चीजें हैं जो संसार को प्रभावित करती है ये बहुत ही पूछते हैं ग्रहणशीलता रिसेप्टिविटी फेडिलिटी बैकग्राउंड नॉइज और डिस्टोर्शन फिर होता है रिकॉल पुराने निर्णयों को देखना रिकॉल करना समस्या के समाधान के लिए फिर उसके अकॉर्डिंग गोल को चेंज कर लेना फीडबैक फीडबैक भी जरूरी है क्योंकि तो संसार के लिए फीडबैक जरूरी है संसार तभी सतत चलता है इनपुट आउटपुट तभी चलता है जब फीडबैक मिलता रहता है तो फीडबैक कैसे चलता है एक नेगेटिव फीडबैक जो अच्छा है वो अच्छा फीडबैक माना जाता है तो लोड लेग गेन और लीड ये फीडबैक में ये चार तत्व है जो इसको प्रभावित करते हैं एक के बाद एक आते हैं इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो नेगेटिव फीडबैक है उसके चारों तत्व है तो लोड लेग, गेन और लीड तो ये आप अच्छी तरह से एक बार देख लें ये तो बीसों बार पूछा गया इस पूरे में एक जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी वो थी साइबरनेटिक क्या होता है नियंत्रण व संतुलन और ये जो फीडबैक है किस आधार पे संचालित तो होता है क्या तत्व है तो, तो, तो लोड लेग गेन और लीड। अब आ गया एक और सिद्धांत कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या गेम थ्योरी इसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी बोला क्यों खेल में कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष होता है आपस में सहयोग नहीं होता दो टीमों में आपस में संघर्ष होता है जीतने के लिए तो इसके जो विद्वान है वो है मार्टिन कैपलोन है सुबिक है विलियम राइकर है है थॉम सेलिंग इन्होंने खेल सिद्धांत तो का विकास किया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मान्यता अगर खेल खेलना है तो आपको पहले पूरी रणनीति बनानी होगी खेल में जीतने के लिए स्ट्रेटेजी अत्यंत आवश्यक होती है अगर बिना रणनीति के आप खेल में उतरते हैं तो आपकी हार निश्चित है तर्क संगत व्यवहार खेल में हर एक खिलाड़ी तर्क संगत व्यवहार करेगा या जो बनाए गए नियम हैं खेल के उनको आपको पालन करना होगा भुगतान भुगतान का तात्पर्य है कि जीतने हारने के लिए दो प्रकार के भुगतान होते हैं जीत अच्छा भुगतान होता है आप हार भी सकते हैं इसके लिए भी आपको तैयार रहना होता है हर एक खेल के कुछ नियम होते हैं और आपको जितनी ज्यादा सूचना और जानकारी होगी खेल में जीतने के आपके चांस उतने ही अच्छे होंगे तो आप रणनीति बनाए तर्क व्यवहार करें भुगतान के लिए तैयार रहे हारने जीतने के लिए नियमों का पालन करें खेल के जो नियम हैं और आप अपने विरोधी के बारे में पूछना सूचना और जानकारी रखें तो ये अगर पांच चीजें हैं ये खेल के लिए जरूरी होती है खेल को जीतने के लिए जरूरी होती है ये पूछी जाती है फिर बुक्स है ऑफ पोलिटिकल कॉलिएशन कॉलिएशन का तात्पर्य है कि संगठनों का निर्माण कैसे नाटो सियटो सेंटो जैसे संगठन कैसे बने थे विलियम राइकर ने इसके ऊपर पुस्तक लिखी है थॉम सेलिंग ने इसने इसनेलियशन के ऊपर गठबंधन के लिए पुस्तक लिखी है वहीं कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष की रणनीति क्या है कैसे होता है संघर्ष पे लिखा है और एक पुस्तक लिखी है बार्गेनिंग थ्योरी सौदेबाजी कैसे होती है सौदेबाजी देखिए शांति काल में होती है जब कुछ विशेष संधि और समझौते करने होते हैं वो कैसे होती है तो बार्गेनिंग थ्योरी बहुत ही फेमस बुक है सेलिंग की आप जरूर याद रखें अब आगे खेल के प्रकार कितने हैं? तो खेल का एक प्रकार होता है जीरो सम गेम सम होता है जोड़ और जीरो जीरो है। इस गेम का जो जोड़ घटाव होता है वो अंत में जीरो ही आता है इसका इसका इसको हम बोलते हैं होता है सम गेम। है स्थिर स्थिर तात्पर्य कि रिजल्ट इसमें दो देश भी आपस में संघर्ष करते हैं ऐसे हो करते हैं जो भी संघर्ष करते हैं या दो समूह भी संघर्ष कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य के जो संबंध है वो जीरो सम और नाटो और वारसा के मध्य भी जो संबंध थे वो भी जीरो सम गेम वाले थे या सोवियत संघ का जो साम्यवादी गुट था और पूंजीवादी गुट था ये विभिन्न देशों के समूह थे ये भी जीरो सम गेम के ऊपर चलते थे शीत युद्ध जीरो सम गेम पर आधारित था भारत पाकिस्तान के युद्ध जीरो गेम के ऊपर आधारित है इस गेम की विशेषता होती है कि इसमें विशुद्ध संघर्ष पाया जाता है नंबर एक इसमें एक देश कोई चाल चलता है एक गठबंधन कोई चाल चलता है तो इसलिए चलता है कि दूसरे को डिफीट दिया जा सके तो इसमें एक चाल को, को जिससे जितना फायदा होता है दूसरे को उतनी ही हानि उठानी पड़ती है यानी भारत है अगर ये अमरीक पाकिस्तान के किसी आतंकवादी के ऊपर प्रतिबंध लगाने में सफल हो जाता है तो पाकिस्तान को उतना ही नुकसान हो जाता है तो ये विशुद्ध संघर्ष होता है रिजल्ट इसका जीरो आता है इसमें एक को जितना लाभ होता है दूसरे को उतनी हानि होती है तो एक को जितना लाभ दूसरे को उतनी हानि एक को दस रुपए का लाभ दूसरे को दस की हानि तो रिजल्ट आया जीरो इसमें समझौते की गुंजाइश नहीं होती सहयोग की गुंजाइश नहीं होती ये है जीरो समेह दूसरा आता है नॉन जीरो नॉन जीरो समेम का तात्पर्य है कि इसमें रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं आता बल्कि नॉन जीरो आता है इसमें संघर्ष और सहयोग दोनों होता है संघर्ष और सहयोग अगर दो देश और दो गठबंधन दोनों के मध्य भी हो सकता है ये अगर दो देश हैं आपस में संघर्ष करेंगे तो एक को दस का लाभ होगा सॉरी संघर्ष करेंगे तो एक को दस की हानि होगी दूसरे को भी दस की हानि होगी अब भारत पाकिस्तान के जो आर्थिक संबंध है ये नॉन दोनों को नुकसान हो रहा है तो एक को दस की हानि दूसरे को दस की हानि संघर्ष करने के ऊपर हानि होगी बीस रूपये सहयोग करेंगे तो एक को दस का लाभ होगा दूसरे को भी दस का लाभ होगा तो ये लाभ हो गया बीस रूपए रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं आता इसमें इसमें तो एक का लाभ बराबर दूसरे की हानि इसमें या तो दोनों को हानि या दोनों को लाभ तो इसमें संघर्ष करेंगे तो हानि होगी दोनों को सहयोग करेंगे तो दोनों को लाभ होगा तो इसको हम बोलते हैं नॉन जीरो सम गेम थ्योरी एक है सौदेबाजी का सिद्धांत कि ये शांति काल में काम आता है जब दो देश आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो ये आता है वहां ये का का दिया हुआ है नॉन जीरो सम गेम और सौदेबाजी सिद्धांत थ्योरी कि विभिन्न देश जब शांति काल में समझौते करते हैं तो कैसे आपस में सौदेबाजी करते हैं फिर है चिकन थ्योरी इसको होक एंड डो थ्योरी भी बोलते हैं डंकन लुइस की दी हुई है ये चिकन थ्योरी चिकन थ्योरी में क्या होते हैं कि दो देश या फिर अपने चर्चा करते हैं कि एक पुल है पतला सा उसमें दो दो उस एक ही कार गुजर सकती है दोनों को ये पता है कि अगर हम पुल पे कार ले आए और फुल स्पीड पे दोनों कारें तो पुल के ऊपर जगह नहीं हम दोनों भिड़ेंगे और मरेंगे तो जो सुदृढ़ रहता है वो सीधा ही चलता जाता है वो डरता नहीं एक उनमें से पक्का ही डर जाता है वो साइड में लगा लेता है पुल पे चढ़ाते नहीं कार को जो सीधा निकल जाता है वो कलंगीदार मुर्गा होता है और जो हार जाता है साइड में कार कर लेता है वो चिकन होती है सड़क पे आपने भी ऐसा देखा होगा जब जो कार या बाइक चलाते हैं वो सामने लेके जाते हैं कैसा दूसरा अपने आप हट जाता है आपको आपको हटना पड़ता है तो ये चिकन थ्योरी है इसको हो गया नहीं बाज और फाखता इसके भी बोलते हैं कि इसको कगारवाद बोलते हैं दरअसल जॉन फोस्ट डलेस अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी रह चुके हैं जब आइजन हावर वहां के राष्ट्रपति थे डलेस क्या करता था कि किसी भी मुद्दे को वो डिफेंस में नहीं खेलता था बल्कि ऑफेंसिव खेलता था हर एक देश के ऊपर ऐसे जाके और ऊपर चढ़ाई वाली स्थिति कर देता था कि मैं तो परमाणु फेंकूंगा मैं तो चलाऊंगा मेरे परमाणु बम तो तैयार है इसको ये ऑफेंसिव जो पॉलिसी होती है आक्रामक जो पॉलिसी होती है इसे दूसरा देश डर जाता है ये किया था अपने अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जब ये करगिल का पूरा वार हुआ तो करगिल के वार के बाद भारत ने ऐसा माहौल बना दिया कि अब तो पाकिस्तान को ही करेगा। था मामला हो है बराबर तो ए, आप इतने ज्यादा आक्रामक हो जाइए कि अगला अपने आप ही जाता है फिर तो इसको कगारवाद बोलते हैं इसको चिकन थैरी बोलते हैं दूसरी कैदी की दुविधा ये ठक्कर की है ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसा ही होता है जब दो देश आपस में बातचीत नहीं करते तो क्या होता है कि अगर बातचीत नहीं करेंगे तो एक दूसरे के मन में विभेद पैदा होंगे एक दूसरे के प्रति शंकाएं पैदा होगी तो ये शंकाएं क्या करती है सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देती है ये सशस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है शस्त्र निर्माण को बढ़ावा देती है तो आप क्या करें एक दूसरे से बात करें जब बातचीत करेंगे तो फिर आप एक दूसरे के मन में जो शंकाएं हैं एक दूसरे के प्रति वो कम हो जाएगी और फिर आप शस्त्रों के ऊपर नियंत्रण कर लेंगे निशस्त्रीकरण भी कर लेंगे तो देखिए जब अमरीका में अफवाहें फैलती थी रूस ने सोवियत संघ ने अमरीका में ये ये कर दिया इस आदमी को खरीद लिया उसको खरीद लिया तब वो कैसे बचना है तो वो शस्त्र निर्माण में लग जाता है ऐसे रूस के अंदर थी कि ये कर दिया है अमेरिका ऐसे करेगा अब रूस को बर्बाद सोवियत संघ को बर्बाद करेगा तो वो भी सस्त निर्माण में लग गया था तो ये कैदी की दुविधा है इस ये हथियारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है तो अब कैदी वाली दुविधा से आप बाहर आए क्योंकि दो कैदी की दुविधा का तात्पर्य तो दो कैदी हैं दोनों एक दूसरे के दुश्मन है दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करने दी जाती परिणाम क्या निकला है कि दोनों एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते हैं और हरेक दूसरे को लगता है कि ये मुझे पक्का ही मारेगा तो वो पहले ही हमला कर देता है तो ये कैदी की दिव्यता है ये शस्त्र प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है हथियारों की दौड़ बढ़ाती है तो इसको रोकने के लिए जरूरी है कि दो देश आपस में बातचीत करें तो ये हमने जीरो सम गेम नॉन जीरो सम गेम बारगेनिंग थ्योरी सेलिंग वाली चिकन थ्योरी डंकन लुइस की कैदी की दुविधा प्रिजनर्स डायलेमा सेलिंग ठक्कर की देखी ये खेल के प्रकार देखे हमने अब हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी देखें देखिए पब्लिक एड में तो हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी देखते हैं वो हर्बर्ट साइमन की देखते हैं आपने अधिकांश में जिन्होंने नेट कर रखी है वो हर्बर्ट साइमन के नाम से जरूर परिचित होंगे

मोदी जी का पर्सनालिटी इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी चर्चिल की पर्सनालिटी गांधी की पर्सनालिटी ये होती है मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी इससे प्रभावित होते हैं निर्णय कि आपकी व्यक्तित्व कैसा है नेहरू की पर्सनालिटी नेहरू अंतरराष्ट्रवादी थे नहीं मोदी जी और इंदिरा तो थी तो क्यों क्यों उनका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी अलग है फिर होता है प्रवेश एनवायरमेंट कैसा है ये भी प्रभावित करता है पर्यावरण यानी निर्णय स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं होते बल्कि पर्यावरण से प्रभावित होते हैं आज आप ये कह दें कि हमें भारत से मोदी जी ये कह दें कि मैं आज ही जाके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहआज शरीफ से ना गले मिलूंगा मोदी जी कर ही नहीं सकते ऐसी एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे चले गए थे और उसके बाद आडवाणी जी उभर ही नहीं पाए क्यों क्योंकि पर्यावरण ही ऐसा है ये जो भारत में हिंदुता दक्षिणवादी पर्यावरण है ये पाकिस्तान से संबंध सुधर नहीं, नहीं देगा तो नेता कितना भी कोशिश कर ले संबंध सुधर नहीं सकते क्योंकि निर्णय निर्माण को पर्यावरण प्रभावित करता है करता ये कहते हैं न तो पर्सनालिटी महत्वपूर्ण होती है न ही इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण होता है बल्कि एक्टर होते हैं वो करते हैं निर्णय जैसे वुड्रो विल्सन वो थे एक्टर तो स्नाइडर और बर्नार्ड कोयन कहते हैं कि कर्ता यानी निर्णय करने वाला महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण और उसकी पर्सनालिटी महत्वपूर्ण नहीं होती तो कौन है जो ये दो याद रखें पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होते हैं निर्णय स्वायत्त तो नहीं होते किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग होती प्रधानमंत्री सारे हैं लेकिन सबकी निर्णय हमने देखे अलग-अलग प्रकार के हैं तो ये तो कहना है अलेक्जेंडर जादर जुलिरज का और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं निर्णय जैसा पर्यावरण होगा निर्णय उसके अकॉर्डिंग आपको करने पड़ेंगे ये कहना है हेराल्ड स्प्राउट 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 का स्प्राउट का स्प्राउट और स्प्राउट का और मार्गरेट ये दो बहुत आते हैं questions. अब ये है, कुछ बुक्स कर लेते हैं कुछ रह गई थी बीच में की भी थी अपन दो चार बुक्स तो द्रेजिडी ऑफ ग्रेट ग्रेट पावर पॉलिटिक्स ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की ट्रेजडी क्या है ये मर्साइमर की पुस्तक है यानी ये आक्रामक क्यों होते हैं 20 ईयर क्राइसिस 1919 से लेके 39 तक तो के 20 साल का जो क्राइसिस था ईएच कार ने इसकी पुस्तक है फेमस पुस्तक फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार शुरुआ तक, की शुरुआत तक डिप्लोमेसी हेनरिक शिनजर की पुस्तक है और क्लास ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन की पुस्तक है जो बड़ी फेमस है इस टाइम 1993 के आस आई थी अब क्वेश्चन आंसरस करते हैं व्यवस्था विश्लेषण के मॉडल का सही क्रम क्या है शक्ति संतुलन ये तो एक नंबर है फिर है शिथिल दिव्यु दो नंबर कठोर और सार्वभौमिक एक दो तीन चार कई बार इतना सिंपल भी आ सकता है आप ये सोचेंगे एक दो तीन चार तो फिर तो दिया ही क्यों है क्वेश्चन नहीं नहीं आप क्वेश्चन सिंपल है तो उसी नजर से देखें हम क्या करते हैं सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये सोचते हैं आरपीएससी को इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी पूछेगी क्यों नहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे तो चेक करना है आप सोचेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता आप भूल जाते हैं कई बार ऐसा थोड़ी पूछेंगे ये ऐसा अनुक्रम तो फिर है ही फिर ये पूछा ही क्यों है नहीं नहीं ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आता है इसलिए मैंने डाला इस क्वेश्चन को मिलान करें मार्टिन कैपलोन व्यवस्था सिद्धांत ए जी फ्रेंक का सिद्धांत या डिपेंडेंस या निर्भरता कह दो आप इसको सही है मार्गन थाउ का आप देख लेंगे यथार्थवाद और मिखाइल गोरवा चौकी पेरोस्टराइका और ग्लास नोस्त की नीतियां विज्ञान बनाम परंपरावाद को किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई महान बहस या ग्रेट डिपेट कहा है आप देखिए उत्तर खोजिए किसने कहा यह मार्टिन कैपलोन ने कहा है। तीन बहस हमने की थी एक की थी आदर्शवाद वर्सेज यथार्थवाद दूसरी की थी परंपरावाद वर्सेज विज्ञानवाद और तीसरी की थी उदारवाद मार्क्सवाद ये तीन एक दूसरे की एंटी धाराएं हैं साइबरनेटिक्स फीडबैक चैनल आदि शब्दावली का प्रयोग किस सिद्धांत या किस उपागम के अंतर्गत आता है ये तो आप फट से बता देंगे ये कार्ल डाइज के संचार सिद्धांत सही मिलान पुस्तक ट्वेंटी क्राइसिस अभी करके हटे हैं। ये मैन द स्टेट एंड वार तीन चित्र खेते अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मिलान करें आप केनेथ वाल्टस पॉलिटिक्स अमंग स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो पुस्तक है 1948 में आई थी और ये शिकागो विश्वविद्यालय के आईपी के प्रोफेसर मार्गन और द कंट्रोल ऑन आर्म्स रेस ये पुस्तक आ गई है जो ब्रिटिश स्कूल के हैं परंपरावादी हेडले है बुल जिनकी पुस्तक एनारकिल सोसाइटी भी है राजक समाज सही मिलान नहीं है जटिल अंतर निर्भरता जार्ज कैनन सी राजा मोहन निर्भरता सिद्धांत राहुल प्रेविस्क एजी फ्रैंक, सौदेबाजी का सिद्धांत थोम सेलिंग संचार सिद्धांत कार्ल डाइस देखिए जटिल अंतर निर्भरता है ये है कोहेन और नायक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी जोसेफ ना और कोहेन। जीरो सम सेवेंट कथन कौन सा है एक का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होता है सही है विशुद्ध प्रतिस्पर्धा व संघर्ष होता है सहयोग की गुंजाइश नहीं होती बिल्कुल सही है शांति व समझौते की संभावना नहीं होती सहयोग व संघर्ष दोनों की बराबर संभावना है नहीं सहयोग की संभावना तो होती ही नहीं है इसके अंदर ये तो नॉन जीरो में होती है संतुलन बैलेंस ऑफ टेरर ये चर्चिल के शब्दावली है ये तो परमाणु युग था युद्ध चल रहा था तो परमाणु बमों ने बेहका संतुलन बना रखा था मैड थ्योरी म्यूचुअल एश्योर डिस्ट्रिक्शन ये थोड़ा सवाल क्वेश्चन पहले आ गया है सीटी युद्ध में भी आ जाएगा ये निवारकता सिद्धांत मैक्स लर्नर का आ, ये ठीक है लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत है जो तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है वो माइकल डाइल की है नव यथार्थवाद संरचनात्मक यथार्थवाद का केंद्र बिंदु है नहीं मानव का स्वभाव ही तो यथार्थवाद का है मारगंथ वाले का

wall touch. अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मार्क्सवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझाने के लिए प्रिप्रेक्ष अधिक तथा सिद्धांत कम है ठीक है बिल्कुल इसने कोई थ्योरीज का निर्माण नहीं किया यद्यपि काल मार्क्स ने व्यापक रूप से लेखन कार्य किया है तथा वह आधुनिक काल में महान सिद्धांत का दार्शनिक रूप में जाने जाते हैं तब भी उन्होंने मार्गन था तथा स्नाइडर की अंतरराष्ट्रीय संबंधों का कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मार्गन इसके कोई सिद्धांत नहीं ये पहला है दूसरा उसी की व्याख्या कर रहा है सही है ये। दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है तो ये हमने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उपागम किए अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अब आगे बढ़ते हैं इनमें से दो क्वेश्चन पक्के आते हैं अब हम करेंगे राष्ट्रीय शक्ति नेशनल पावर क्या होती है मार्गन था की परिभाषाएं करेंगे इन्हीं भी पूछ ली जाती है कि राष्ट्रीय शक्ति वह क्षमता है जिसे कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों को व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार निर्देशित करता है जैसे कि आज चीन है उसके पास राष्ट्रीय शक्ति है तो पाकिस्तान वैसा ही करता है जैसे चीन कहता है बहुत सारे देश हैं जैसे यूरोपियन देश हैं वो वैसा ही करते हैं क्योंकि जैसा अमेरिका उनको कहता है क्योंकि अमेरिका के पास शक्ति है तो राष्ट्रीय शक्ति वो है जो दूसरा देश किसी एक्स देश से डरता है वाई और वैसा ही करता है जैसे एक्स कहता है शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है बिल्कुल है शक्ति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो ये सब मार्गन था परिभाषाएं हैं उद्देश्य शक्ति प्राप्ति होता है और हर प्रकार की राजनीति चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे घर के अंदर चल रही हो और चाहे अंतरराष्ट्रीय हो संघर्ष किसके लिए है शक्ति के लिए पति पत्नी क्यों झगड़ते हैं यहाँ घरेलू का तात्पर्य है डोमेस्टिक यानी देश की चर्चा कर हूं लेकिन मैं घर पे ले आता हूँ चलो इसको अगर पति पत्नी का झगड़ा क्यों है यही शक्ति के लिए संघर्ष है और कुछ नहीं है सुनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं लेकिन क्विक चल रहा है तो आप क्विक पे ही रहिए हर प्रकार की राजनीति चाहे वह घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय शक्ति के लिए संघर्ष है और कुछ नहीं है मार्गन था कहना ये है ये परिभाषाएं हैं शक्ति से संबंधित एरिक शक्ति के संदर्भ में राष्ट्र के तीन लक्ष्य होते हैं हर एक राष्ट्र शक्ति का संचय करना चाहता है फिर शक्ति संचय हो जाती है तो उसको और बढ़ाना चाहता है और जब शक्ति आ जाती है तो उसका फिर वो प्रदर्शन करना चाहता है दूसरों को बताना चाहता है। इसीलिए कहा गया है कि जो इश्क है और मुस्क है ये छुपाए नहीं छुपते का तात्पर्य ताकत है आप कितनी कोशिश करो छुपती नहीं है तो शक्ति का प्रदर्शन करना ही होता है तो पहले शक्ति प्राप्त करना फिर उसको बढ़ाना क्योंकि शक्ति समाप्त नहीं होती और फिर उसको दिखाना कि मेरे पास शक्ति है ये एरिकॉपमैन का ये कहना है अमेरिका ने लगभग ये मानो 100 साल तक शक्ति नहीं दिखाई लेकिन बाद में मजबूर हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में शक्ति दिखानी पड़ी उसको राष्ट्रीय शक्ति की प्रदर्शन करना पड़ा राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं इसका अस्थाई इस गतिशीलता होती है यानी शक्ति स्थिर नहीं है आज एक देश शक्तिशाली होकर को कमजोर हो जाएगा ब्रिटेन है जो कभी पूरे संसार का संचालन किया करता था यूसोसार जो कितना मजबूत देश था आज हालत टाइट हो गया चाइना जो बोझ था आज कितना शक्तिशाली हो गया तो शक्ति है ये गतिशील और अस्थायी होती है ये सापेक्ष और तुलनात्मक होती है सापेक्ष और तुलनात्मक का तात्पर्य ये है कि आप शक्ति का पता दूसरे से तुलना के द्वारा कर सकते हो अब मैं ये कह दूं कि मैं ना बहुत बड़ा आ, मैं बहुत ज्यादा भारी हूं तो भारी किससे ज्यादा भारी हूं ये बताना पड़ेगा मुझे इसके आपको तुलना करनी पड़ेगी अब हम ये कह दें कि चीन बहुत शक्तिशाली है किससे शक्तिशाली है भारत से पाकिस्तान से अमरीका से रूस से यह बताना पड़ेगा तो शक्ति सापेक्ष और तुलनात्मक होती है एक लड़का बोला कि माँ आज है न मैं फर्स्ट आया तो बेटा दौड़े कितने थे कि अकेला अच्छा काकड़ नहीं काक्तना ठाला तो शक्ति का तब पता चलता है जब तो दूसरे देश देशा तुलना होती है ये कई तत्वों का योग है ये नहीं है कि सिर्फ सैन्य शक्ति अकेला ही शक्ति को बढ़ा देता है आपके पास आर्थिक शक्ति भी होनी चाहिए सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक विचार धारात्मक समस्त शक्तियां मिलकर ही शक्ति का निर्माण करती है अब कौन सा देश शक्तिशाली है इसका आप पता नहीं कर सकते ये पता तभी चलता है जब युद्ध होता है उससे पहले तो सारे शक्तिशाली होते हैं अभी रूस कह रहा था जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ अपने को ये लग रहा था कि दो दिन पकड़ेगा नहीं यूक्रेन रूस के आगे घुटने टेक देगा आज चार पांच महीने होने को आए हैं रूस अपनी सेनाएं वापिस हटा रहा है ये हालात हो गई है तो पहले ये लग रहा था कि होगा रूस जीत जाएगा एक तरफ लेकिन नहीं हुआ ऐसा तो इसका मूल्यांकन बड़ा कठिन है इसका स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है यानी मस्तिष्क के अंदर रहते जो शक्ति है आज अमेरिका ने दो चार पांच देशों को छोड़कर कहीं हमले नहीं किए फिर भी हर एक देश अमेरिका से डरता है क्योंकि शक्ति का स्वरूप है वो मनोवैज्ञानिक है आज जैसे ही चीन ये कहता है कि वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका कहता है देख लेना तो ध्यान रखना तो चीन के मन में जो भय है वो मनोवैज्ञानिक भय है तो ये है राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं क्या होती है? हमने देखा राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है या तो सैन्य ताकत या आर्थिक ताकत के द्वारा या फिर कूटनीति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय शक्ति का शक्ति इकट्ठी होगी उसका प्रयोग करो या तो आर्थिक ताकत दिखाओ या सैन्य ताकत दिखाओ या कूट डिप्लोमेसी करो मार्गंता कहता है कि शक्ति का जोड़ घटाव करते हुए हम तीन भूलें करते हैं हम शक्ति को निरपेक्ष मान लेते हैं कि हम शक्तिशाली हैं अरे तुम तो, तो शक्तिशाली हो भाई लेकिन किससे ज्यादा शक्तिशाली और किससे कमजोर तुलना कर लो तो शक्ति तुलनीय होती होती है सापेक्ष हैं निरपेक्ष नहीं शक्ति को स्थाई मानने की भूल करते एक देश आज यूएसएसआर और रूस रूस के ये था कि मैं कितना शक्तिशाली था आज उतर होगा तो यूक्रेन पे हमला कर दिया उसकी हालत टाइट हो गई है तो शक्ति स्थायी नहीं होती आज ब्रिटेन है क्या वो शक्तिशाली है क्या नहीं आज पिछले है अमेरिका का वो तो शक्ति है वो आज एक देश शक्तिशाली है भारत आज कितना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और कभी बिल्कुल गरीब पिछड़ा हुआ और उपनिवेशिक देश था एक ही तत्व को निर्णायक तत्व नहीं माने आप कोई देश जापान है इसके पास आर्थिक ताकत तो बहुत है लेकिन शक्तिशाली देश नहीं कनाडा के पास आर्थिक ताकत बहुत है लेकिन शक्तिशाली नहीं है इसके पास सैन्य ताकत नहीं है उनके पास उनके पास सांस्कृतिक ताकत नहीं है उस सभी प्रकार के तत्व मिलकर बनाते हैं शक्ति सुन्यता पावर है होवर की थ्योरी है पावर वैक्यूम 1956 में जो नहर का संकट आया उस नहर संकट के बाद यहां से फ्रांस और ब्रिटेन जैसी शक्तियां गायब हो गई उसके बाद यहां शक्ति का वैक्यूम आ गया शक्ति की शून्यता आ गई उसको बढ़ने के लिए यूएसएसआर यूएसए तेजी से दौड़े और वहां यूएसएस यूएसए ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया सोवियत संघ की बजाय अमेरिका ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया वहां है पावर वैक्यूम यानी संसार का कोई भी कोना शक्ति से शून्य नहीं हो सकता अगर कोशी भी क्षेत्र से एक महाशक्ति प्रायण करती है दूसरी महाशक्ति वहां आने के लिए तैयार बैठी होती है तो ये मध्य पूर्व के संदर्भ में था शक्ति शून्यता का सिद्धांत शक्ति कितने प्रकार की है तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई प्रकार की शक्तियां होती है शक्ति, सेना, पुलिस, हथियार, परमाणु बम ये है, मनोवैज्ञानिक शक्ति आप, कर है, पावर है, आप कितना कर सकते निर्यात आर्थिक सहायता की है विचारधारात्मक शक्ति कितने देश आपकी विचारधारा के अकॉर्डिंग चलते हैं सांस्कृतिक शक्ति वगैरह अब आगे ये ध्यान रखें कई सामाजिक शक्ति कोई शक्ति नहीं होती काल एक काल कहते हैं एक तो सकल शक्ति एक तो शुद्ध शक्ति सकल शक्ति होती है कुल शक्ति है और जब इसको काम में लेते हैं तो वो प्रभावी हुई या नहीं हुई ये है नेट पावर आप कहते हैं कि मेरी इनकम ना एक लाख है फिर क्या यार खर्चा नहीं चलता क्यों क्योंकि तो पचास हजार तो गवर्नमेंट है वो टैक्स में काट लेती है तो आपकी नेट कितनी है नेट तो आपके जेब में पचास ही आई जबकि आपके शकल तो एक लाख मिल रहे हैं तो शक्ति तो इसे बहुत सारी दिखाई देती है लेकिन उपयोग कितना कर पाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है संरचनात्मक शक्ति सीधा ही पूछा जाता है कि शक्ति को शुद्ध और सकल में किसने बांटा है संरचनात्मक शक्ति किससे जुड़ी, जुड़ी हुई है संरचनात्मक शक्ति जुड़ी हुई है सुशांत ट्रेंस से जो कि नव यथार्थवादी विचारक विचारिका है अमेरिका की कैसीनो कैपिटलिज्म इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है चलो अपने को सुद नहीं करेंगे इतना नहीं जाएंगे संरचनात्मक शक्ति स्ट्रक्चरल पावर सुसान स्ट्रेंज ये महान विचारिका है अमेरिका की इन्होंने संरचनात्मक शक्ति की चर्चा की है कि संरचनाएं है ना ये बनाती है शक्ति कौन सी संरचनाएं ज्ञान संरचना कैसी है इसी विदेश में नॉलेज कितना है वहां कितना इनोवेशन हो रहा है नई नई चीजें बन रही है वित्तीय संरचनाएं कैसी है आर्थिक रूप की बैंक वगैरह कैसे हैं बाजार कैसे अर्थव्यवस्था कैसी है इससे बनती है शक्ति सुरक्षा संरचना कितने हथियार है आप प्रोडक्शन तो कैसा हो रहा है तो प्रोडक्शन सिक्योरिटी फाइनेंस और नॉलेज ये चारों मिलके ये चार संरचनाएं मिलके शक्ति का निर्माण करती है तो संरचनात्मक शक्ति स्ट्रक्चरल पावर का कंसेप्ट सुशांत स्ट्रेंज का बहुत ही फेमस है वी वी आई एम पी कर लो इसको अब आ गया हार्ड पावर क्या होता है सॉफ्ट पावर क्या होता है इसको मैं बता दूंगा हार्ड पावर हार्ड पावर सॉफ्ट पावर ये सब नाए की शब्दावलियां जोसफ जोस्फ और स्मार्ट पावर हार्ड पावर में सैन्य शक्ति आती है और आर्थिक शक्ति आती है ये कितनी सैन्य आर्थिक शक्ति कितनी का ये यथार्थवादी इसी के ऊपर बल देते हैं इस हार्ड पावर को हम कमांड पावर बोलते हैं ये दूसरों को कमांड करती है इसको हम पावर ओवर कहते हैं दूसरों के ऊपर शक्ति का प्रभुत्व तो होता है इसमें फिर एक होती है सॉफ्ट पावर ये बहुत महत्वपूर्ण है सॉफ्ट पावर बुक भी है मैंने कहा था नाई की जो किसी देश की सांस्कृतिक शक्ति होती है जैसे भारत का योग है आयुर्वेदा है ये है या अमेरिका की जो हिप्पी कल्चर है अमेरिका की जींस है अमेरिका के कपड़े हैं अमेरिका का रहन सहन है स्टाइल है खान पान है पिज्जा है बर्गर है मैकडोनाल्ड है पिजा हट है ये सब उसके तक उसकी सांस्कृतिक तो उसकी भाषा है उसकी उसके मूल्य है उसकी विचारधारा वगैरह है ये सब संस्कृति है उसके राजनीतिक मूल्य कूटनीति ये नवदारवादी इसके अंदर विश्वास करते हैं ये सॉफ्ट पावर होती है इसको कोऑपरेटिव पावर बोलते हैं कोऑपरेशन से चलती है ये पावर विद्ध होती है ऊपर नहीं होती उसके साथ पावर होती है ये सहमति गढ़ कला बोलते हैं इसको नोम चोमस् मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जाती है इसके अंदर सॉफ्ट पावर से तो प्यार से चीजों को मनाया जाता है और कभी आपके मस्तिष्क में घुस के आप पे नियंत्रण कर लेती है पता ही नहीं चलता ये है सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर कब बनती है जब हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों मिलती है तब ये स्मार्ट पावर मिलती है दो सपनाए के अकॉर्डिंग जैसे अमेरिका है ये स्मार्ट पावर है इसके पास हार्ड पावर भी है इसके पास है सॉफ्ट पावर भी है शार्प पावर क्या होती है ये अभी नई शब्दावली है एक से देन नहीं है एक संस्थान है कोई रिसर्च उसकी शब्दावली ये ये भ्रष्ट साधनों से दिल व दिमाग को जीतना चाइना क्या करता है ये जो पत्रकार होते हैं प्रोफेसर वगैरह होते हैं या जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको पैसा दे के और चाइना का प्रचार प्रसार करवाता है उन देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ही डरते हैं चाइना से आजकल क्योंकि चाइना ने वहाँ के जो नॉलेज वाले लोग हैं प्रोफेसर हैं या लेखक हैं और नीति नियंता मंत्री वगैरह उनको खरीद के और वहाँ चाइना का प्रसार शुरू कर दिया था तो ये होती है शार्प पावर भ्रष्ट साधनों से दिल दिमाग जीतना स्मार्ट ये सॉफ्ट पावर है इसमें भ्रष्ट नहीं होते साधन इसमें भ्रष्ट साधन होते हैं शार्प पावर में सुपर सुपर पावर सुपर पावर शब्दावली तो 1900 और कोई 45 के आसपास आई थी यूके यूएसएर को विलियम फॉक्स ने सुपर पावर कहा था बाद में दो ही सुपर पावर बची थी एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका सुपर पावर शब्दावली विलियम फॉक्स की है ये बहुत ही पूछा जाता है और हाइपर पावर ये अमेरिका को कहा है बेदराइन ने और विलियम फॉक्स ने जो कहा है मैं कह रहा था ये 1945 की बात है विलियम फॉक्स ने यूके यूएसए वह यूएसएसआर यानी सोवियत संघ इनको सुपर पावर का है बैदराइन ने उन्नीस सौ और इक्यानवे के बाद यूएसए की स्थिति को हाइपर पावर कहा है एंड कहते हैं कि संबंध तीन प्रकार के होते हैं शक्ति के आधार पर एक प्रभाव संबंध होते हैं कि कोई देश किसी देश के ऊपर प्रभाव रखता है बिना देश उसकी बात मानता रहता है एक बल संबंध है इसमें थोड़ा बहुत ड्राई जाता है शक्ति संबंध होते है। तो प्रभाव बल और शक्ति संबंध बल में धमकी दी जाती है शक्ति में वास्तविक प्रयोग हो जाता है अब राष्ट्रीय शक्ति किन से मिलकर बनती है तो मार्गन था कुछ परिवर्तनशील तत्व होते हैं स्थायी तत्व होते, होते भूगोल किसी भी देश का जोग्राफी कैसी है उसका क्षेत्रफल कितना है वो कहाँ स्थित है उस स्थिति कैसी है उसकी उन सब से मिलकर बनता है ये स्थायी तत्व है तो जिस देश के पास क्षेत्रफल ज्यादा होगा जिस देश की अवस्थिति अच्छी होगी समुद्र तट अच्छा होगा नदियां समुद्र पहाड़ वगैरह हो होगी उसका काम ठीक रहता है वो शक्तिशाली हो ही जाता है कभी ना कभी और प्राकृतिक संसाधन कितने के हैं उनके उसके पास ये भी महत्वपूर्ण होता है जैसे मध्य पूर्व में कुछ नहीं होता रेगिस्तान है ये अरब देशों में लेकिन वह तेल होता है इस वजह से वो आशक्तिशाली है तो ये स्थायी तत्व तो तो है किसी भी देश को शक्तिशाली बनाते हैं भूगोल और प्राकृतिक संसाधन कुछ है परिवर्तनशील तत्व जिनमें परिवर्तन होता रहता है औद्योगिक क्षमता इसी चीन की औद्योगिक क्षमता तो पहले जीरो थी आज बहुत ज्यादा हो गई तो शक्तिशाली हो गया सैन्य बला बढ़ा लो तो आपका शक्तिशाली हो जाओगे जनसंख्या ज्यादा जनसंख्या ज्यादा शक्तिशाली हो होगी जरूरी नहीं है लेकिन आप जनसंख्या कर दे चाइना की तरह आप शक्तिशाली हो जाएंगे आपका चरित्र कैसा है आपका मनोविज्ञान कैसा है देश के प्रति आपकी भावनाएं क्या है इससे भी निर्भर करता है तो राष्ट्रीय चित्र अच्छा है जापानियों की तरह जर्मन की तरह है, तो वो देश शक्तिशाली होता है तो इससे भी शक्ति का निर्माण होता है साइकोपोलिटिक्स राष्ट्रीय साइको पढ़ते हैं और रिचर्ड किचनर ने यह विचार दिया है मनोबल कैसा है कई देश कमजोर होते हैं लेकिन जैसे अभी देख रहे हैं यूक्रेन के लोगों का मनोबल बहुत है तो रूस भले ही शक्तिशाली हो तो मनोबल के बस बल्कि यूक्रेन शक्तिशाली हो गया है कूटनीति आप कैसा करना चाहते हैं प्रोपोगंडा कितना कर लेते हैं तो कूटनीति प्रोपगंडा मनोबल औद्योगिक क्षमता सैन्य बल जनसंख्या राष्ट्रीय चित्र ये सब मिला के और शक्ति का तत्व बनाते हैं तो क्या सरकार का स्वरूप यानी शासन का स्वरूप ये नहीं होता शक्ति क्योंकि जरूरी है कि सरकार तानाशी हो या लोकतांत्रिक हो या अध्यक्ष आत्मक हो संसदात्मक तो हो इससे क्या फर्क पड़ता है ये शक्ति का आधार नहीं है पामर और पार्किंस मानवीय तत्व इन तत्वों को मानवीय तत्व बोलते हैं औद्योगिक क्षमता बल और गैर मानवीय मूर्त मूर्तत्व बोलते हैं स्थायी तत्वों को बोलते हैं तो मार्गन था उस स्थायी तत्व और तत्वों की चर्चा करता है पामर और पार्को मानवीय और गैर मानवीय अमूर्त और मूर्त तत्व बोलते हैं अब आ गया जियोपॉलिटिक्स

किचनर का कंसेप्ट है सी पावर थ्योरी एटी महान एटी महान एक ब्रिटिश थे उन्होंने हाँ एटी की सॉरी सी पावर थ्योरी कि शक्तिशाली वही होगा जिसके पास समुद्र पे कब्जा होगा तो ब्रिटेन क्यों था 200 250 साल तक शक्तिशाली क्यों उसकी नौ सेन, सेना बहुत शक्तिशाली थी तो सी पावर थ्योरी है 80 मान की कि किसी को शक्तिशाली बनना है तो नौ सेना को मजबूत करो आप हार्टलैंड थ्योरी मेकाइंडर की है बहुत ही फेमस है हार्टलैंड कई बार यहां से एक क्वेश्चन आता है बहुत बार हार्टलैंड थ्योरी हार्टलैंड कौन सा है कि जो पूरा अपना संसार है इसमें यह जो पूर्वी जर्मनी से लेकर साइबेरिया तक का एरिया इसको हार्टलैंड कहा जाता है कि जो इस पे कब्जा कर लेगा पूर्वी जर्मनी से लेकर साइबेरिया तक का फिर वो ना पूरे यूरोप और एशिया पे कब्जा कर लेगा और जो यूरोप एशिया पे कब्जा कर लेगा फिर वो पूरे संसार पे कब्जा कर लेगा ये कहना है यानी आपको अगर पूरे संसार में शक्तिशाली होता है तो हार्ट के ऊपर कब्जा करो रिमलैंड थे ये स्पाइक मैन की है ये कहते हैं नहीं इस पे कब्जा मत करो आप अगर शक्तिशाली होना है तो एक किनारे की भूमिया कब्जा कर लो तो ने यही किया शक्तिशाली होने के लिए। तो ये यूएसए की नीति थी उसने ना रिमलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया बना दिया इन देशों के साथ ये नाटो खड़ा कर दिया और इन पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ कनाडा और इनके साथ तो ये थी रिमलैंड थ्योरी की शक्तिशाली होने के लिए जो किनारे की भूमि है समुद्र किनारों की उन देशों कब्जा करके हटलैंड थ्योरी का प्रयोग किया तो मैकाइंडर की हेडलैंड थ्योरी है और रिमलैंड थ्योरी स्पाइकमैन की है आप एन टाइम पे एग्जाम पे भूल नहीं जाए आप ध्यान रखना आते है और सी पावर थ्योरी एटी महान की अब एक और टॉपिक करते हैं क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे इनके एक क्वेश्चन आएगा दोनों में से राष्ट्रीय हित तो नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं फ्रेंच भाषा में इनको रिजन द इटेट कहा जाता है ऐसे सामान्य हित तो जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं हमारे लक्ष्य उद्देश्य जिन्हें हमारे हम प्राप्त करना चाहते हैं हम शक्तिशाली होना चाहते हैं

जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वही अमेरिका है जो आज भारत से दोस्ती गाढ़ी कर रहा है तो लॉर्ड के अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र और शत्रु नहीं होते बल्कि एक ही चीज स्थाई होती है वो राष्ट्रीय हित ये पूरे हो रहे हैं तो मित्र दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन मित्र हो जाते हैं मार्गेन थाउ कहता है कि विदेश नीति की आत्मा राष्ट्र हित है हर एक देश अपने हितों की पूर्ति के लिए ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है ऐसा करना भी चाहिए इनका ये कहना है वुड्रोविल जो कि आदर्शवादी के हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है अगर राष्ट्रीय हितों को हम आगे ही बढ़ावा देंगे और खुद के हित ही महत्वपूर्ण मानेंगे ये खतरनाक प्रवृत्ति है युद्धों को संघर्ष को यह बढ़ावा देती है तो जहां वुड्रो वुड्रोविल आदर्शवादी इसको खतरनाक प्रवृत्ति बताते हैं राष्ट्रीय हितों को तो मार्गन मार्गंथ कहते हैं कि तो आत्मा है राष्ट्रीय हितों के प्रकार रोबिसंस कहते हैं दो प्रकार के होते हैं एक राष्ट्रीय हित और एक अंतरराष्ट्रीय हित राष्ट्रीय हित भी वो कई प्रकार के बताते हैं प्राथमिक हित ये जो जरूरी होते हैं जैसे सुरक्षा करना अपनी एकता अखंडता को बचाए रखना ये जरूरी होते हैं प्राथमिक द्वितीय हित जिनपे कोई भी देश समझौता कर लेता है ये अपने संस्कृति का प्रसार करना है व्यापार करना है समझौते करने करो, करो करो मरना मत करो ये द्वितीय हित होते हैं स्थायी हित जो हमेशा ही बने रहते हैं दूसरे देशों में अपने नागरिकों की रक्षा समुद्र का खुला होना ये स्थायी हित है परिवर्तनशील हित जो बदलते रहते हैं विभिन्न देशों के हित जो आपस में जुड़े होते हैं जैसे हर एक देश ये चाहता है ग्लेशियर नहीं पिंगले पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए सामान्य हित है एक देश के जो हित होते हैं विशेष हित होते हैं अंतरराष्ट्रीय हित क्या होते हैं समान हित दो देशों के एक जैसे हित है तो समान हित है परस्पर विरोधी हित जब दो देश एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं तो परस्पर विरोधी हित है जैसे क्यूबा को लेके और अमेरिका और यूएसएसआर के हित हैं वो बिल्कुल विरोधी हित है पूरक हित कि एक हित की पूर्ति होगी तो दूसरे की अपने आप हो जाएगी जैसे अफगानिस्तान को लेके अमेरिका और पाकिस्तान के हित वे दूसरे के पूरक है पाकिस्तान को पता है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद रहेगा तो अमेरिका उसको पैसा देगा और अमेरिका को पता है कि अफगानिस्तान से आतंकवाद हटाना है तो पाकिस्तान का प्रयोग यूज करना होगा तो ये पूरक हित है तो अंतरराष्ट्रीय हित तीन प्रकार के होते हैं समान हित परस्पर विरोधी हित और पूरक हित्ट कहते हैं हित दो प्रकार के हैं। तो होते हैं वैध हित और अवैध हित वैध हित वो हित होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सभी देशों के लिए फायदेमंद होते और अवैध हित तो वो होते हैं जो कोई देश तो अपने बारे में सोचता है दूसरे देश के बारे में नहीं सोचता उसको अवैध हित तो बोलते हैं जो अंतरराष्ट्रीय हितों से मेल नहीं खाते वो अवैध हित तो होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से मेल नहीं खाते वो अवैध हित तो है और जो खाते हैं वो वैध है तब आ गया हंस मरगंथ मारगंथ इन इनकी पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और फ्रांसीसी फ्रेंकल की पुस्तक है नेशनल इंटरेस्ट इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हंस मार्गन की पुस्तक है ये कहते हैं दो प्रकार के हित होते हैं एक मार्मिक या प्राथमिक हित ये मार्मिक और प्राथमिक हित वो होते हैं जिन देश के जिसके ऊपर कोई समझौता नहीं करना चाहता कोई भी देश जैसे हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता है इसको हम बिल्कुल भंग नहीं करना चाहते कतई हम समझौता नहीं करेंगे इस मुद्दे पे, ये तो पहले हित है ये तो हम सर्वप्रथम इनकी सुरक्षा करना चाहते हैं दूसरे होते हैं अमार्मिक या गौण हित इन मुद्दों पे हम समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गौण हित कौन से उपराष्ट्रीय हित है उपराष्ट्रीय हित वो होते हैं कि जनता के हित नहीं होते पूरे शासक वर्ग सब हितों को जनता के हित बता के और थोप देता है वो उपराष्ट्रीय हित होते हैं अन्य राष्ट्रीय हित जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अंदर अपने हित पूर्ति के लिए हस्तक्षेप करता है अधिराष्ट्रीय हित जब वैश्विक हितों के लिए हम काम करते हैं जैसे नेहरू जी करते थे अंधराष्ट्रीय हित जब हम अपने हितों की पूर्ति के युद्ध और संघर्ष का सहार लेते हैं अंधराष्ट्रीय हित होते हैं ये गौण हितों के तहत आते हैं या हितों के ये भी प्रकार बताए राष्ट्रीय हित की वृद्धि कैसे होगी पामर और पार्क आप आपको अपने हितों की पूर्ति करनी है अपनी मांगों को मनवाना है आप शक्तिशाली होना चाहते हैं तो प्रथम साधन है कूटनीति कि अपने हितों की पूर्ति के लिए पामर पार्क कहते हैं कूटनीति का प्रयोग करो आप वार्ताओं का प्रयोग करो एक दूसरे को समझाने बुझाने का प्रयोग करो फिर है प्रोपोगंडा आप बताओ कितनी शक्ति है आप शक्तिशाली है लेकिन बताते नहीं है तो इसे काम नहीं चलेगा अमरीका था वो, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले बताता नहीं था कि मैं कैसा हूं तो कोई भी उसको शक्ति नहीं मानता था जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में कूदा तो उसने बताया कि मैं भी हूं उसने प्रचार प्रसार किया प्रोपागेंडा किया अपनी शक्ति का तो ये जरूरी होता है गठबंधन व संधियां इससे भी राष्ट्र हितों की पूर्ति होती है जैसे हम जापान से संधि कर लें ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से जो संधियां कर रहे हैं इससे हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होगी कई देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रयोग करते हैं जैसे ब्रिटेन ने और फ्रांस ने और पाश्चात्य यूरोपियन देशों ने शक्ति संघर्ष में जीतने के लिए अपने हितों की पूर्ति के लिए साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया और विभिन्न देशों को अपना गुलाम बना लिया आर्थिक साधन अगर आपके पास ताकत है तो दूसरों को पैसा दे के उनकी सहायता करके आयात निर्यात के द्वारा भी अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं युद्ध अगर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का अंतिम साधन है वो युद्ध है ये नहीं करना चाहिए आप क्वेश्चन करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए कोई स्थायी मित्र है नया शत्रु है सिर्फ स्थायी है तो राष्ट्र हित ये कहना है लॉर्ड क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है कूटनीति है शासन का स्वरूप सैन्य शक्ति का उपयोग सैन्य संगठन में शामिल होना देखिए ये नहीं है सरकार का स्वरूप कैसा भी हो सकता है वो लोकतांत्रिका से इसे क्या फर्क पड़ता है आज शक्ति मूल्यांकन करने में तकनीकी शिक्षा और आर्थिक विकास सैनिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो गया बिल्कुल समकालीन समय में ऐसा ही है निर्णय का स्रोत कभी भी स्थिर नहीं रहते और हमेशा परिवर्तनशील स्थिति में रहते हैं ये यही समझाने की कोशिश कर रहा है ये बदल गए हैं और ये बदलते रहते हैं ये नीचे यही समझाया गया है यूएसए के लिए हाइपर पावर शब्द का प्रयोग किसने किया है तो एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे बेदराइन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पावर नहीं है सुपर पावर नहीं बल्कि हाइपर पावर इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है ये कहना है बेदराइन का विलियम फॉक्स ने तो शब्दावली का प्रयोग किया था अब हम अगला टॉपिक करेंगे शीत युद्ध तो अपन कोल्ड वॉर की शुरुआत करें उससे पहले आपको सिर्फ तीन चार मिनट इंतजार करना होगा आप जाइएगा मत पानी वानी पी लीजिए मैं भी पानी पी लेता हूं और फिर दोबारा चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बार मैं आउट ऑफ फॉक्स हो जाऊंगा विलियम फ़ॉक्स की तरह बंद कर दिया था चलो अभी आ, मैं देख भी रहा था देखिए सामने चलिए वापिस चलते हैं। अभी तक नहीं आ रही थी आप लोगों ने भी मुझे नहीं कहा कि आवाज नहीं आ रही है हाँ आप कह रहे अब अब आपके कमेंट आ रहे मैं कमेंट देखिए मैं दूर से अब देख नहीं पाता ना कमेंट्स अब कमेंट्स मेरे पास लिखे आ रहे हैं और कहीं ने रोने वाने वाला ये भी भेजा है सही है सही है चल अब आएगी अब आएगी आ गई आ गई आ गई अब डोंट वरी दोबारा शुरू करते थे शीत युद्ध इस शब्द का प्रयोग मैंने कहा बर्नार्ड एच बारूच ने किया था और जो बर्नार्ड बारूच थे मैंने कहा वो साउथ कैरोलिना के एमएलए थे अमेरिका के एक राज्य के उन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था शीत युद्ध का फिर एक फ्रांसीसी पत्रकार थे वाल्टर लिपमैन उन्होंने ये पुस्तक लिखी और सब फेमस हो गया फिर 1979 में एक नए रूप में युद्ध शुरू हुआ दोनों देशों के मध्य सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य उसको हम नव शीत युद्ध नाम दिया एंथनी गिडिंग्स ने तो कई बार ये सीधी शब्दावली आ जाती है ध्यान रखें अब शीत युद्ध के लक्षण क्या है इसमें दो देश हैं सोवियत संघ और अमरीका ये एक दूसरे से वैचारिक घृणा करते हैं राजनीति अविश्वास करते हैं जासूसी करवाते हैं डिप्लोमेसी करते हैं कूटनीतिक तोड़ करते हैं, किसी एक देश को भड़काते हैं दूसरे देश के खिलाफ कटुतापूर्ण संबंध होते हैं इनके मध्य जीरो सम गेम ये वाला चलता है इनके खेल सिद्धांत ये चलता है जीरो गेम। इसमें अमेरिका एक चाल चलेगा तो ऐसी चाल चलेगा कि सोवियत संघ को उसे नुकसान हो और सोवियत संघ ऐसी चाल चलेगा कि अमेरिका को नुकसान हो तो इसमें एक का लाभ बराबर दूसरे की हानि होती है रिजल्ट हमेशा जीरो आता है इसमें प्रोपोगंडा किया जाता है वाक युद्ध हर एक देश अपने आप को बढ़ा चढ़ा के सूरवीर महान और श्रेष्ठ बताता है दूसरे देश को खलनायक बताता है और पूरा प्रोपोगंडा करता है अपनी शक्ति का अपनी विचारधारा का अपनी मानवीय क्षमताओं का वाक युद्ध होता रहता है यानी ये युद्ध था शीत युद्ध ये कागज के गोलों से लड़ा गया पत्र पत्रिकाओं से लड़ा गया ये अखबार निकलते हैं पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं दूसरे की आलोचना और खुद की प्रशंसा के अंदर हम कितने श्रेष्ठ हैं और सामने वाला कितना गिरा हुआ है इनका खुद को कुत्ते को ये टोमी बताते हैं दूसरे कुत्ते को कुत्ता बताते हैं ऐसे चलता रहता है ये मनोविज्ञानिक युद्ध फ्लेमिंग कहते हैं कि ये की था ये मस्तिष्क में चलता है चौबीस घंटे मस्तिष्क में चलता है आपको सोने नहीं देता ये मनोविज्ञानिक नर स्वार है नेहरू जी कहते हैं कि निलंबित मृत्युदंड है सस्पेंडेड डेथ है ये कि अगर आपको एकदम से डेथ दे दे तो आपका जीवन खत्म हो जाता है लेकिन जैसे ही आपको ये कहा जाए कि महीने बाद आपको हम मारेंगे तो देखिए आप 29 दिन सो नहीं पाते कि महीने बाद तो मरना है मरना है फिर महीने बाद कहते हैं नहीं, नहीं, अगले महीने मारेंगे तो फिर आप मरते हैं तिल तिल मरते हैं तो इससे अच्छा है कि एकदम ही मामले को खत्म कर दो पापा काट दो आप इससे अच्छा है तो ये है। तो है मृत्यु मृत्युदंड से खतरनाक होता है निलंबित मृत्युदंड तो ज्यादा खतरनाक होता है गर्म युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होता है शीत युद्ध क्योंकि मस्तिष्क में 24 घंटे चलता है ये सशस्त्र सज्जित शांति का काल है हथियारों की कमी नहीं है लेकिन हथियार चलाने के लिए नहीं होते यहाँ फत्यार नहीं चलते हैं तने जरूर रहते हैं कंधे थक जाते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते पता नहीं कब युद्ध हो जाए तो 24 घंटे युद्ध का सा माहौल रहता है लेकिन युद्ध होता नहीं है 45 साल तक चलाई केपीस मेनन कहते हैं क्या है ये दो तो ये दो विचारधाराओं के मध्य संघर्ष है बहुत ही अच्छी व्याख्या है ये दो विचारधाराएं हैं एक है उदारवाद वर्सेस मार्क्सवाद साम्यवाद आप जो भी कह दो इनके मध्य संघर्ष उदारवाद कह रहे हम श्रेष्ठ हैं मार्क्सवादी कह रहे हम श्रेष्ठ हैं दो शासन पद्धतियां एक है वो उदार लोकतंत्र है और दूसरा है वो जनवादी लोकतंत्र है इन दोनों के मध्य संघर्ष है से। दो सैन्य गुट है एक नाटो है और दूसरा वारसा है दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन इस आग में घी डाला पहले ये आग में घी डालने का काम जो स्टालिन कर रहा था जो सोवियत संघ का राष्ट्रपति था फिर जब ये समाप्त हो गया तो एक और व्यक्ति आ गया वो अमेरिका का था वो था जॉन फोस्टर डलेस वो राष्ट्रपति नहीं था बल्कि विदेश मंत्री था तो ये दो व्यक्ति हैं दो राष्ट्र हैं एक है वो यूएस से है और दूसरा है वो यूएसएसआर है यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसएसआर है सोवियत संघ शुरुआत कहां से शीत युद्ध की शुरुआत हुई चर्चिल ने फुलटन भाषण दिया था फुलटन अमेरिका में एक जगह वहां ब्रिटेन का ये नेता पहुंचा हुआ था पांच मार्च 1946 की बात है और ये बोला कि पूरे इस संसार में और विशेषकर यूरोप के अंदर कह रहा है कि यूरोप में एक आयरन लोहे का पर्दा छा रहा है लोहे का पर्दे का तात्पर्य है कि व्यवस्थाओं से सूचनाएं बाहर नहीं आती तो यूएसएसआर को आयरन करटेन वाला देश कहा जाता था और चाइना को बंबू करटेन मतलब बांस का पर्दा जहां से कुछ सूचनाएं बाहर आ जाती है बिल्कुल नहीं आती सूचनाएं बाहर उसको आयरन करटेन बोलते हैं यानी रूस में स्टालिन ने क्या किया सोवियत संघ के अंदर कितने लोगों को मारा साइबेरिया भेज के बहुत तो बाद में पता चला तो एक आयरन है वो कहना ये रहा था इस यूरोप के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है और ये कहता है कि अगर हमें स्वतंत्रता की दीप शिखा को जलाए रखना है और ईसाई सभ्यता की रक्षा करनी है नास्तिकों से धर्म विरोधियों से तो हमें अमेरिका और ब्रिटेन को एक ओणा तो ये कह रहा था कि इस युद्ध में हम एक होंगे बाद में हमने देखा ब्रिटेन तो लद गया था वर्ल्ड वॉर के रूप में समाप्ति हो गया फिर दो ही महाशक्तियां बची एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ तो यहां से चर्चिल का जो फुलटन भाषण था वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है कुछ कहते हैं कि इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब तो उन्नीस में बोल सेविक या मार्क्सवादी या लेलिन या साम्यवादी क्रांति हुई थी रूस में अब हम यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक देखिए इसके नाम याद रखना कई बार ये भी पूछ रहे थे इसकी फुल फॉर्म क्या है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक आप कहते हैं यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया ऐसा नहीं है कहीं भी इसमें रूस नहीं है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसके नेता कौन थे यानी इनके राष्ट्रपति कौन थे पहला लेलिन था और लेलिन ने ही 1922 में रूस के अंदर और विभिन्न राष्ट्रों को मिला के और यूएसएसआर का निर्माण किया था मध्य पूर्व के कितने देशों को उन्होंने अपने अंदर मिला लिया था फिर जोसेफ स्टालिन आया इनके मरने के बाद इनका उत्तराधिकारी इसने फिर रूस को काम पे लगा दिया सोवियत यूएसएसआर को शुरू खेती करवाई, औद्योगिकरण तेजी से किया और देखते ही देखते और सोवियत संघ था, वो एक महाशक्तिशाली देश हो गया एक जो गरीब और पिछड़ा हुआ देश था जिसको जापान तक ने हरा दिया था 1905 में वो एक महाशक्ति देश बन गया जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में और उन्हें एक देश में समाजवाद का नारा दिया निकिता खुशचे ये स्टालिन के मरने के बाद स्टालिन के विरोधी थे इन्होंने आते ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का कहा कि हम यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ और पश्चिमी यूरोप के साथ हम झगड़ा नहीं करेंगे बल्कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखेंगे तो ये कई बार पूछा जाता है कि ये जो तो शांतिपूर्ण की नीति किसकी है ये नीतिता खुरचे की है फिर क्यूबा का मिसाइल संकट आया उन्नीस में ने अमेरिका के नीचे एक छोटा सा देश है करेबियन खाड़ी में जिसका नाम है क्यूबा वहां जाके और मिसाइलें लगा दी परमाणु बमों वाली तो अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने इसका विरोध किया कि मेरे नीचे जो आपने क्यूबा में मिसाइलें उनको हटाइए वरना मैं आपके ऊपर परमाणु बम फेंकूंगा अगर आप करेंगे उससे पहले मैं भी फेंक दूंगा तब फिर दोनों के मध्य ऐसे लगा कि अब तो शीत युद्ध का चरम हो गया लेकिन तभी क्या किया निकिता खुरुशेव ने मिसाइलें हटा ली तो ये का मिसाइल संकट था तो पूरे संसार को ये लगा कि अब तो हम एक दो दिन के और हैं तो कईयों ने पेट भर के खाना खाया कई पेट नींद कई उड गई कई ने खूब नींद ली और कई ने खूब एंजॉय किया कि ये तो अंतिम दिन है लेकिन ये बाई सल्ट गया ये ब्रेज ने उन्नीस से बयासी तक ब्रेज ने एक और सिद्धांत है ब्रेज का नाइनटीन चेकोसोलाविया में हस्तक्षेप किया और के के कुछ लोग जो वहां से साम्यवादी व्यवस्था को को हटाना चाहते थे, उनका दमन कर दिया, और वहां के को भी दिया, और और राष्ट्रपति भी धमका ये कहा कि तुम जो पूर्वी यूरोप के देश हो जो तुम साम्यवादी देश हो गए थे पूर्वी यूरोप के पोलैंड चेकोसोलाविया हंगरी रोमानिया बलगरिया पूर्वी जर्मनी इनसे कहा कि तुम्हारी संप्रभुता सीमित है तो सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसका है बहुत ही बार पूछा जाता है ये शीत युद्ध काल में ब्रेजने दिया था और यह दिया था उन्नीस में पूर्वी यूरोप के संदर्भ में ये तुम्हारी संप्रभुता सीमित है तुम मेरे सैटेलाइट कंट्री हो मेरे चारों चक्कर लगाने वाले देश हो तुम पूर्ण संप्रभु नहीं हो फिर अगले ही साल उन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा उन्होंने कहा कि सारे एशियन देश मेरे नियंत्रण में आ जाओ मैं तुम्हारी अमेरिका के परमाणु बमों से और यूरोपियन परमाणु बमों से तुम्हारी रक्षा करूंगा तो एशिया की सामयिक कलेक्टिव सिक्योरिटी को उन्होंने आश्वासन दिया था कि यूएनओ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा मैं करूंगा लेकिन भारत जैसे देशों ने मना कर दिया था ये नाइनटीन में आया था नाइनटीन में उन्होंने अफगानिस्तान में ब्रजदेव ने और इसी के परिणाम शुरू फिर नव शीत युद्ध का आरंभ हुआ था जिसके एंथनीस की हमने चर्चा की थी दोबारा संघर्ष शुरू हो गया था शीत युद्ध तेज हो गया था यूसे और युसआर के मध्य और ये ब्रजनेवी थी 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का बांग्लादेश वाले मुद्दे पे युद्ध हुआ था तो ब्रजदेव ने भारत की बहुत ज्यादा सहायता की थी उन्हीं के समय भारत और सोवियत संघ के मध्य वो 20 वर्षीय शांति से और मैत्री की संधि ब्रिजनेव के समय हुई थी देखिए चलिए ब्रेजदेव आगे के राष्ट्रपति और कर ले के बाद दो तीन साल तो कोई और राष्ट्रपति रहे फिर उन्नीस से लेकर और उन्नीस में तक गोरवा रहे फिर इक्यानवे में, में युसार का विखंडन हो गया फिर रूस इसका उत्तराधिकारी बन गया तो यहां यूसे सारी यहां तक चला आगे चलते यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन किसके राष्ट्रपति कौन रहे तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सदी कुछ गलतियां रह रखी है जल्दी जल्दी टाइप किया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये तैतीस से लेकर पैंतालीस तक चार बार चुनाव जीता था इन्होंने और ये जो यूनो की नींव है यूनो का नामकरण इन्होंने रखा है फ्रैंकलिन डी ने। हैरी एस्ट्रूमैन इनके बाद बने थे इनके चौथे कार्यकाल में अप्रैल में इनकी डेथ हो गई थी हैरी एस्ट्रूमैन ने आते ये काम तो ये किया कि 6 और 9 अगस्त को बम फेंके जापान के ऊपर तो जापान के ऊपर

प्रसार नहीं होने दूंगा विभिन्न देशों में उसकी शक्ति को बढ़ने नहीं दूंगा ये जो विभिन्न देशों को अपने प्रभाव में ले रहा है मैं इसको रोकूंगा तो फिर इस अपरोध को रोकने के लिए ट्रू मैन प्लान आया तुर्की और यूक्रेन के यूनान के संदर्भ में और दो देशों की सहायता की गई क्योंकि इनके ऊपर सोवियत संघ अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहा था यहां कंटेनमेंट होता है रोकना अपरोध कर देना या अवरोध कर देना उसके सामने फिर अगले ही महीने मार्च उन्नीस में मार्शल प्लान आया इसको डॉलर प्लान भी कहा जाता है डॉलर प्लान और यह पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में था इसका सही नाम है यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम यह भी पूछा गया इसके सही नाम क्या था यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम इस मार्शल प्लान के तहत यूरोप पश्चिमी यूरोप के जो देश सेकंड वर्ल्ड वॉर में आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके थे उनको पुनर्निर्माण में डॉलर की सहायता दी गई थी यानी आर्थिक सहायता दी थी, थी अमेरिका ने और उन्हें अपने प्रभाव में ले लिया था तो ये हमने ट्रू मैन की चर्चा की मार्शल प्लान कब आया ध्यान रखें घटनाएं हैं ट्रू मैन प्लान पहले आया मार्शल प्लान बाद में आया मार्शल प्लान का और नाम क्या है ये ध्यान रखें आप फिर आयोजन आए इन्होंने पावर वैक्यूम थ्योरी दी उन्नीस में मध्य पूर्व के संदर्भ में यानी अरब देशों के संदर्भ में और में ये तब दी जब यहां स्वेज नहर का संकट आया पहले यह देखिए स्वेज नहर का संकट क्या था पावर वैक्यूम क्या था उन्नीस में जो राष्ट्रपति थे मिस्र के देखिए ये जो नहर है ये मिस्र को तोड़ती हुई और भूमध्य सागर को और वो ए, कौन सा सागर उन दोनों को जोड़ती है ये और इसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था बाद में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने ये कह के कि ये तो मेरे देश के अंदर से निकलती उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया कि यहाँ से जो कुछ भी होगा वो मुझसे पूछ के होगा हमारे देश से पूछ के होगा हमारी है ये नहर क्योंकि हमारी भूमि से निकलती है तो फ्रांस ने ब्रिटेन ने और इसराइल ने तीनों ने इस मुद्दे को लेकर और मिस्र का विरोध किया और उसके ऊपर हमला कर दिया सोवियत संघ तो इंतजार कर ही रहा था क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस और इजराइल तीनों मित्र किसके हैं ये मित्र हैं अमेरिका के तो उसने कहा आपने कैसे हमला कर दिया ऐसे अमेरिका ने भी देखा कि ये कुछ ज्यादा ही तीन पास करें फटफड़ा रहे हैं, फट हैं ब्रिटेन और फ्रांस तो इनकी छुट्टी कर देते हैं बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय राजनीति से क्योंकि बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं आज कर। तो का भी, भी बिना पूछे कैसे आपने हमला कर दिया तो वहां से फिर ब्रिटेन और फ्रांस को हटना पड़ा था और वो मिस्र के नासिर ने उस नहर का कर, कर, दिया था वो कामयाब हो गया था तो ये पावर वैक्यूम थी जैसे ही वहां से ब्रिटेन और फ्रांस भागे अमेरिका ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो ये थी आइजन की पॉलिसी पावर वैक्यूम थ्योरी ओपन स्काईपला इन्होंने यूएसएसआर से कहा कि हम एक दूसरे के आकाश का निरीक्षण करेंगे तो मना कर दिया था वहां के राष्ट्रपति ने खुसचेव ने एटम्स फॉर पीस इन्होंने विभिन्न देशों को एटम्स दिए थे कि पीस के लिए कि मैं तुम्हें एटम दूंगा परमाणु उस ऊर्जा वगैरह बनाने के लिए तो मैं एटम्स दूंगा वियतनाम में शेप इन्हीं के समय शुरू हुआ था और गले में आ गया था और वियतनाम सिंड्रोम तक का भय पैदा हो गया था अमेरिका के अंदर वियतनाम अस्क छोटे से देश ने हालत टाइट कर दी थी अमेरिका की तो ये आयोजन उड़ने शुरू किया था ये है यू टू विमान कांड यू टू विमान कांड उन्नीस और साठ के आसपास हुआ था नाइनटीन में कैंप डेविड भावना हुई थी अमेरिका का एक शहर है कैंपडेन वहां ख्रशेव और ये आयोजन हॉर मिले थे लेकिन अगले ही साल यूसार ने क्या किया कि एक विमान पकड़ा जो जासूसी कर रहा था और वो अमेरिका ने भेजा था तो दोनों देशों के संबंध खराब हो गए तो ये था यू टू विमान कांड जो आयोजन और केस में हुआ फिर डोमिनो थ्योरी और कगारवाद ये गए है कगारवाद ब्रिंक क्या है डोमिनो थ्योरी आगे हम थोड़ी देर में और चर्चा कर लेंगे और कगारवाद की भी आगे ही चर्चा करेंगे या यही कंप्लीट कर लेते हैं चलिए डोमिनो थ्योरी और कगारवाद पहले हम कगारवाद की चर्चा करते हैं और डोमिनो थ्योरी की चर्चा चलो एक साथ ही कर लेते हैं 1957 ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल था इस साल एक मोर्चा लगा दिये फू का मोर्चा अब क्या है का मोर्चा देखिए ये एक जगह है वियतनाम के अंदर वियतनाम के ऊपर फ्रांस का कब्जा था जैसे हम ब्रिटेन के गुलाम थे वैसे ही वियतनाम जो हमसे थोड़ी सी दूर है और दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है आजकल ये आशियान के तहत आता है आशियान समूह के अंदर तो फ्रांस ने कब्जा कर रखा था जैसे 200-300 सालों से वियतनाम के ऊपर जैसे अंग्रेजों ने भारत पे कर रखा था तो दी एन बी फू के में लड़ाई शुरू हुई फ्रांसीसियों की और वियतनामियों की वियतनामियों का नेतृत्व तो होची मिन कर रहा था और इस लड़ाई में वियतनामियों ने होचिमिन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और फ्रांसीसी वियतनाम छोड़ के भाग गए अब क्या होचिमिन इतना ताकतवर था क्या नहीं अगर हम वियतनाम की भौगोलिक स्थिति देखें स्थिति देखें उसकी तो वो चीन के बिल्कुल पड़ोस में है सोवियत संघ से थोड़ी सी दूर है तो होचिमिन था वो साम्यवादी था तो माओ और खुरशे वगैरह इन्होंने इसकी सहायता की थी इसलिए फ्रांस को हारना पड़ा क्योंकि फ्रांस एक पूंजीवादी देश था और यूएसए यूएसए पिछलू था तो वहां चीन ने और सोवियत संघ ने उसकी सहायता की वियतनामियों की और फ्रांस को वहां से हरा दिया तो अब अमेरिका ने यह सोचा कि आज तो वियतनाम है यहां प्रभाव बड़ा है सोवियत संघ का कल को लाओस में बढ़ेगा कंबोडिया में बढ़ेगा इंडोनेशिया में बढ़ेगा सिंगापुर में बढ़ेगा तो एक देश डह गया है, तो बाकी देश भी डह जाएंगे तो इसको रोका कैसे जाए तो एक देश में साम्यवाद आ गया तो पड़ोसी देशों में भी साम्यवाद आएगा इसको डोमिनो थ्योरी बोलते हैं डोमिनो होता है कि ऊर्जा के कण होते हैं जो ऊर्जा एक कण से दूसरे कण में कैसे बढ़ती है तो ये होती ये है डोमिनो थ्योरी तो इसी डोमिनो थ्योरी के तहत कि एक देश में साम्यवाद आ गया है तो अन्य में भी आ सकता है तो क्या करें तो फिर इस क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी एशिया में आशियान देशों में सोवियत संघ का कंटेनमेंट करने के लिए फिर वहां एक संगठन बनाया गया सियटो सेंट्रल ईस्ट एशिया ट्रीटी और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन ये जोन फोस्टर डलेस जो कि अमेरिका का विदेश मंत्री था उसकी ये राय थी फिर इसी की एक नीति और है कगारवाद ये क्या करता था सोवियत संघ इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे वो डिफेंसिव खेलते थे ये सोवियत संघ के साथ ऑफेंसिव खेलता था और बहुत सारी छूट हासिल कर लेता था ये जाके सोवियत संघ के ऊपर हमला मतलब हमले की स्थिति कर देता था ये हर क्षेत्र के अंदर कि हम तो युद्ध करेंगे तो फिर सोवियत संघ को हटना पड़ता था ये कगारवाद की नीति है तो ये आइजन के समय आई डोमिनो थे कगारवाद और जोन फोस्ट डेस इनको लाने वाला था जोन एफ कनेडी बे का संकट 1961 क्यूबा का मिसाइल संकट उन्नीस पर इनकी चर्चा क्यूबा में फिदेल कास्त्रो का राज आया। कास्त्रो मार्क्सवादी थे अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में है ये तो अमेरिका को ये देश में साम्यवाद अच्छा नहीं लगा तो फिदेल कास्त्रो की तख्ता पलट करने के लिए विरोधियों को हथियार भेजा था अमेरिका ने और ये जो हथियार जो भेजे गए थे ये जिस रास्ते से भेजे गए उस रास्ते को बे बोलते हैं यानी बेओपिक से सूरों का आयात निर्यात बहुत होता है उसी रास्ते से हथियार भेजे गए थे तख्ता पलट करने के लिए क्यूबा में फिदेल कास्त्र का अमेरिका ने हथियार भेजे इसको बेओपिक्स का संकट बोलते हैं उन्नीस में फिदेल तो नहीं हटे फिदेल कास्त्र ने अपने विरोधियों को दोबारा प्रास्त कर दिया और सोवियत संघ से दोस्ती करी और सोवियत संघ ने वहां मिसाइलें लगा दी परमाणु मिसाइलें क्यूबा के अंदर तो अगले ही साल अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य बहुत भारी टकराव हो सकती थी इस मुद्दे को लेके कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने वो मिसाइलें से हटा ली परमाणु युद्ध होते होते बच गया वरना दुनिया खत्म हो जाती, ये कहा जा रहा था, था ये 1962 की बात है, युद्ध अपने चरम पे पहुंच गया दो एक साल बाद गोली मार दी गई थी, किसी ने मार दी थी। फिर जॉनसन के समय ट्रीटी ये परमाणु रिचर्ड निक्शन निक्सन वो थे जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश मुद्दे को लेकर उसमें रिचर्ड निक्सन ही थे जिन्होंने भारत को डराने के लिए अपना जहाजी बेड़ा भी भेजा था बंगाल की खाड़ी में इनकी सटल डिप्लोमेसी है इन्होंने रिचर्ड निक्सन ने आते ये कहा कि अब अमेरिका वियतनाम जैसे युद्धों में नहीं कूदेगा और ये भी कहा कि अब मैं सोवियत संघ और चीन देश से साम्यवादी देशों से संबंध सुधारूंगा तो ये यहाँ से वहां विभिन्न देशों में जल्दी जल्दी गए थे तो इसको सटल डिप्लोमेसी बोलते हैं प्रोत्समा थ्योरी ये इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी हैं। किशिंजर इन्होंने इनकी है ये प्रोत्समा थ्योरी संकट निवारण राजने जिसके तहत साम्यवादी देशों से इन्होंने संबंध सुधारे थे मैंने कहा भारत पाक युद्ध के समय भी ये रिचर्ड निक्सन थे जेराल्ड फोर्ड को छोड़ते हैं जिम्मी कार्टर का है का 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया तो जिम्मी कार्टर ने कहा कि अब आगे मत बढ़ना अगर आपने और आगे बढ़े और अफगानिस्तान से ईरान इराक सऊदी अरेबिया यहां अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की खाड़ी देशों के अंदर अरब खाड़ी के देशों के अंदर तो हम आपका वहां कंटेनमेंट करेंगे विरोध कर, करेंगे कर, हमारे अंदर परमाणु युद्ध भी हो सकता ये है ये खाड़ी सिद्धांत जिम्मी का सोवियत संघ को रोकने के लिए और इन्होंने 1979 में ये कहा था कि देतांत मर गया है आगे चर्चा करेंगे देतांत कैसे मर गया था रोनाल्ड रिगन इक्यासी से निवासी इन्होंने को रोग स्टेट कहा यानी ये दुष्ट राज्य है रोनाल्ड रिग ने इस सार को कहा एक शब्दावली और चलती है बुराई की दूरी बुराई की दूरी इसने जॉर्ज बुश ने कहा था ईरान इराक व उत्तरी कोरिया को जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था बुराई की दूरी एक्सिस

तो सोवियत संघ को बर्बाद करने में रोनाल्ड रिगन का बहुत बड़ा हाथ था फिर जॉर्ज बुश सीनियर आए उन्नीस सौ निवासी से तिरानवे तक और इनके आते ही शीत युद्ध का जो अवसान शुरू हो रहा है इन्होंने अपने अमरीका की हिजेवनी दिखाने के लिए इराक में हस्तक्षेप किया जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया कुछ तो ऑपरेशन डेजर स्टोरम चलाया उन्नीस सौ नब्बे में बिल क्लिंटन आए तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा दूसरे देशों के ऊपर हमले नहीं करूंगा तो उन्होंने टार्नऑफ सिद्धांत दिया था टार्न ऑफ होता है घरेलू नीति की ओर ध्यान देना फिर जार्ज वाकर बुश आ गए थे फिर बराक ओबामा आ गए फिर ट्रंप आ गए ये तो आप सबको पता है इसके बाद क्या हुआ था तो किस राष्ट्रपति से संबंधित क्या चीजें ये बहुत पूछी जाती है एक क्वेश्चन तो यहां से आता है एक क्वेश्चन यहाँ घटनाएं जरूर आती है कि कौन सी घटना पहले घटी कौन सी बाद में घटी ये आपको तरतीब से याद रखनी होती है ये तो घटनाएं हैं देखिए कि छियालीस में चर्चिल का फुलटन भाषण हुआ पांच मार्च को और शीत युद्ध शुरू हो गया अप्रैल 1948 सौ ने बर्लिन की घेराबंदी कर ली 50 से तिरपन पर तो कोरिया युद्ध चला था और इसी कोरिया युद्ध के तहत एचएसएन प्रस्ताव आया था महासभा में एचएसएन प्रस्ताव चौपन में दियन बियन फू का मोर्चा लगा और फ्रांस भाग गया और वहां अमेरिका आ गया ये आ, डोमिनो थ्योरी के तहत रहतेटो की स्थापना की गई वहां एक संधि संगठन है सैन्य संधि संगठन उन्नीस स्वेज नहर का संकट आया पावर वैक्यूम वाली थ्योरी आई और हंगरी में भी सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया तो ये दो घटनाएं घटी थी छप्पन के अंदर इकसठ में ये बेउपे का संकट और बर्लिन की दीवार बर्लिन की दीवार उन्नीस में खड़ी हुई थी देखिए घेराबंदी होती थी अड़तालीस के अंदर सोवियत संघ ने घेराबंदी कर ली थी बर्लिन की वहां से ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका को घुसने नहीं दिया था वहां और ये बर्लिन की दीवार खड़ी हुई है बर्लिन को बांट लिया गया दो हिस्सों में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी उन्हें सीमित संप्रभुता का, का, का सिद्धांत दिया पूर्वी यूरोप के संदर्भ में पिछहत्तर में यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन हुआ जिसको हेलेंस की समझौता कहते हैं फिनलैंड की राजधानी है यहाँ यूरोपियन देश अमेरिका और सोवियत संघ इकट्ठे हुए ये देतांत का चरम था यानी अच्छे संबंधों की चरम स्थिति थी उसके बाद संबंध फिर खराब होने शुरू हो गए थे 1985 में गोरवा चेव आ गए गोरवा ये बन गए यूएसएसआर के राष्ट्रपति ने फिर ग्लास नोस्त और पेरोस्तराइका की नीतियां चालू की अपने देश का सुधार करने के लिए नवंबर निवासी में बर्लिन की दीवार का पतन हो गया और ये पहली घटना है जिसने हमें बताया कि अब मिलने की कोशिश कर रहा है सोवियत संघ की शक्ति अत्यंत कम हो रही है अक्टूबर नब्बे जर्मनी का एकीकरण हो गया और जब एकीकरण हुआ तो हेलमुट कोल पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति थे जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला था दोनों जर्मनी एक हो गए लगभग 45 साल बाद तो शीत युद्ध के अंत की पहली घटना है बर्लिन दीवार का में में का पतन। जुलाई में पैक्ट अंत कर दिया गया औपचारिक रूप से जो उन्नीस में बना था अगस्त इक्यानवे में, में चौक का तख्ता पलट का प्रयास हुआ लेकिन वो असफल कर दिया गया बोयिस के द्वारा जो कि रूस के राष्ट्रपति थे तो गोरवास अंतिम राष्ट्रपति है यूसएसार के पहले थे लेलित येन रूस के राष्ट्रपति थे दिसंबर में रूस बेलारूस व यूक्रेन द्वारा यूसेसार को भंग कर दिया गया दिसंबर इक्यानवे में, में और 25 दिसंबर इक्यानवे को गोरवाच ने इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन यूएसएसआर का समापन हो गया बस ये पूरा उसी दिन से शीत युद्ध का अंत हो गया क्योंकि शक्ति के रूप में अब सोवियत संघ नहीं है तो ये घटनाएं थी एक के बाद एक देखिए एकदम से याद नहीं होती आपके अधिकांश की याद है शीत युद्ध की शब्दावली देतांत क्या है देतांत का तात्पर्य है ये 1962 से लेके और 1979 तक यूएस और यूएसएसआर के मध्य जो तनाव में शीलता आई थी उनके अच्छे और मधुर संबंध बने थे उसको हम देतांत बोलते हैं इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शीत युद्ध का अंत हो गया बल्कि इसका यह है कि अब तनाव में थोड़ी सी स्थिरता आ गई है इसको तनाव से बोलते हैं लेकिन यह ज्यादा नहीं चल पाया 1979 में जैसे ही अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया सोवियत संघ ने तो जिमी गार्टर बोला कि देतांत मर गया है और फिर नव शीत युद्ध शुरू हो गया मैड थ्योरी क्या है म्यूचुअल एच डिस्ट्रक्शन आखिर क्यों युद्ध नहीं हुए सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य गर्म युद्ध क्यों नहीं हुआ क्योंकि मैड थ्योरी चलती थी कि अगर युद्ध हो गया तो परमाणु बम चलेंगे और दोनों का विनाश सुनिश्चित है कोई भी जीत अगर किसी ने ज्यादा परमाणु बम पर किसी ने कम फेंके तो जीत देखने के लिए बचेगा नहीं तो इसलिए युद्ध नहीं किया गया अपरोध यानी अब परमाणु बम क्या काम आते हैं परमाणु युद्ध करने के काम नहीं आते बल्कि युद्धों को रोकने के काम आते हैं इसीलिए भारत पाकिस्तान झगड़ा नहीं करते तो अप्रोध है रोक व संतुलन ये ये परमाणु बम है है मैड थ्योरी होती कहते हैं आतंक का संतुलन है ये न्यूक्लियर डिटरेंस बोला जाता है न्यूक्लियर अप्रोध बोला जाता है परमाणु अप्रोध की परमाणु बम युद्ध नहीं होने देते जोन सिलेबस इसको ग्रेट डिट्रेंस बोलते हैं कि ये महान अपरोध है ये कगारवाद कगारवाद ये मैंने कहा कि ये जो दोनों थेरी है ये जोन फोस्टर डलेस की है जिसके हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कगारवाद को व्यापक प्रतिरोध ये हम अब डिफेंसिव नहीं होंगे बल्कि ऑफेंसिव होंगे डलेस ये कहा करता था और हम मुद्दे को बढ़ा देते हैं इसमें मेकार थी वाद मेकार थी एक सीनेटर था अमेरिका का और ये किसी भी अमेरिकन के ऊपर आरोप लगा दिया करता था बिना किसी साक्ष्य के कि ये तो यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का जासूस है और फिर अमेरिकन गुप्तचर एजेंसियां उस व्यक्ति को बहुत तंग करती थी बहुत सारे लोगों को तंग किया गया उनकी नौकरी तक चली गई ये था बेकार बात यानी किसी पे झूठे आरोप लगा के उसको तंग करना सरकारी एजेंसी के द्वारा स्टार वार प्रोग्राम ये रोनाल्ड रिगन का हमने देखा था कैंप डेविड भावना 1959 में कैंप डेविड में क्रुश्चे और वो मिले थे हावर, और दोनों अच्छे संबंध बने थे डेविड ये यूएसए यूके फ्रांस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन देशों का एक समूह था ये जो एक दूसरे के साथ है, सोवियत संघ के संदर्भ में सूचनाएं साझा करते थे आज के लिए चीन के विरोध में काम करता है फाइव आइज ओस्ट्रोपोलिटिक विली ब्राट जर्मनी के राष्ट्रपति थे इन्होंने पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति ने पूर्वी जर्मनी से और पूर्वी यूरोपीय देशों से और सोवियत संघ से सुधारे थे संबंध उसको ऑस्ट्री पॉलिटिक बोलते हैं पूर्वा मुखी नीति बोलते हैं या पूर्वी जैसे हमने ये लुकिस्ट पॉलिसी है जैसे अपने यहाँ वैसी नीति होती है कंटेनमेंट पॉलिसी ये ट्रू मैन की हमने देखी थी कि कैसी प्रसार रोकना है सोवियत संघ का उसका शक्ति प्रसार रोकना है विभिन्न देशों के अंदर देखी थी, या थी हमने ये हेनरी की देखी थी संकट निवारण राज जिसके तहत अमेरिका ने विभिन्न देशों के साथ नहीं साम्यवादी देशों के साथ अपने संबंध सुधारे थे ये चाइना के साथ और चाइना को तो अपने पाले में ले लिया था उसने ये थी रेप्रोसमा की नीति या मैं शब्दावली की जिसका संबंध शीत युद्ध से है अब हम सैन्य गठबंधन कौन से बने थे रियो संधि रियो जेनेरियो की संधि ये लैटिन अमेरिका की रक्षा के लिए की थी। लैटिन अमेरिका सोलिए लेटिन अमेरिका के संदर्भ में बाद में ये ओएस बन गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स बन गया था फिर नाटो बनाया गया ये सैन्य गठबंधन है नाटो पश्चिमी यूरोपीय देशों की रक्षा के लिए बना था अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में वर्तमान में इसमें 30 सदस्य है इसमें 28 तो पश्चिमी यूरोप के हैं और दो हैं वो उत्तरी अमेरिका के हैं यूएसए खुद और कनाडा ये तीस सदस्य है इसका मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स के अंदर है बेल्जियम में इन्होंने उन्नीस सौ चौरानवे में शीत युद्ध के अंत के बाद पार्टनर फॉर पीस प्रोग्राम की शांति के लिए पार्टनर शिप करें ये प्रोग्राम चालू किया था और रूस और पाकिस्तान भी इसके सदस्य रह चुके हैं नहीं इसके इसका कह रहा हूं पार्टनरशिप फॉर के फिर आया अंजुस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और यूएस ये उन्नीस सौ में बना देखिए नाइनटीन में चाइना में माओ आ गए तो चाइना और सोवियत संघ ऊपर से देखें तो ये थोड़े से दूर पड़ते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो यहां प्रभाव नहीं फैल जाए साम्यवाद का इसके लिए एक सैन्य संगठन बनाया गया अंजुस ऑस्ट्रेलिया ए से एनजे से न्यूजीलैंड यूएस से, यूएस से में था साम्यवाद का प्रचार प्रसार रोकने के लिए नाटो था वो पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए था और सीएटो सीएटो डोमिनो थ्योरी के तहत था इसको मनीला संधि बोलते हैं ये दो देश इसमें शामिल होते फिलीपींस और मलेशिया उन्नीस में बना था सियटो फिर एक सेंटो बना था यानी ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशिया जिनको कल हम कल ये बोलते हैं आशियान बोलते हैं उन देशों में साम्यवाद का प्रचार प्रसार रोकने के लिए यह सैन्य गठबंधन तैयार किया गया था और अमेरिका ने इसको समृद्धि के लिए साझेदारी कहा था इसको मनीला संधि कहा जाता है मनीला फिलीपींस की राजधानी है सेंटो सेंटो उन्नीस सौ बना ये अंतिम संगठन है जो पाशात्य पूंजीवादी देशों ने बनाया था अमेरिका के नेतृत्व में ये मीटो भी कहते हैं ये बाद में फैल हो गया था पाकिस्तान ने सियटो का भी सदस्य रह चुका है कहां उस तरफ जाके और यह सेंटो का भी सदस्य था इसको मीटो भी बोलते हैं मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व के देशों का था ये पैक्ट तो ये थी वो सो सुनार की थी फिर एक ये लुहार की है वारसा पैक्ट वारसा पैक्ट था ये यूएसएसआर और सात इसके साम्यवादी देश थे इन आठों ने मिलकर बनाया था ये नाटो को टक्कर देने के लिए था जहां नाटो पश्चिमी यूरोपीय देशों में काम करता था और पश्चिमी यूरोपीय देशों को अमेरिका न्यूक्लियर डिटरेंस और न्यूक्लियर छतरी उपलब्ध कराता था वहीं पूर्वी यूरोपीय देशों को न्यूक्लियर छतरी उपलब्ध कराई थी सोवियत संघ ने तब उन्नीस में बना था ये संगठन सबसे अंत में बना वारसा पैक्ट इसमें आठ देश थे जिसमें एक युसार था एक पूर्वी जर्मनी था फिर पोलैंड चेकोसलाविया हंगरी रोमानिया बल्गारिया अल्बानिया था बाद में अल्बानिया छोड़कर चला गया था इसको वारसा पैक्ट को। और बाद में वारसा पैक्ट भंग हो गया था जुलाई उन्नीस में, में शीत युद्धोत्तर विश्व जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो क्या हुआ साम्यवाद की विदाई हो गई युसार से और पूर्वी यूरोप से और से की छुट्टी हो गई ब्रेजेंकी ने इसको शानदार विफलता कहा, कहा। विघटन हो गया यूसार के पंद्रह टुकड़े हो गए और आराम से हो गए सारे शांतिपूर्ण तरीके से अलग हुए कोई नहीं बोला कि हमें साथ रहना है इसको वेलवेट डाइवर्स बोलता है बिना किसी झगड़े के शांतिपूर्ण अलगाव हो गया इसको मखमली अलगाव बोलते हैं तो युसार का जो अलगाव है उसको टूट गया।, गया।, और और गया।, गया और इसके अब अब तक सात टुकड़े हो गए युगो सलाविया पता ही नहीं चलता मूल युगो सलाविया कौन सा है पता नहीं कौन कौन से इसके टुकड़े हो गए तो ये देखिए ये आपको जैसे मौका मिले इनके युगो के हिस्से याद कर लेना विश्व सार के पंद्रह टुकड़े हो गए यूनिपोलर व्यवस्था आ गई यूनिपोलर का मतलब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आ गई अमेरिका हेजेमनी आ गई और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तात्पर्य एक नई विश्व व्यवस्था आ गई ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व था अमेरिका प्रेरित शांति थी पैक्स अमरीका न था और व्यवस्था बायोपोलर से यूनिपोलर होगी द्विध्रुवीय से एक द्रुवीय हो गई अब एक शक्ति बच गई जो पूरे देश संसार का संचालन करने लगी वो थी अमरीका यूएनओ में बहुत सारे नए सदस्य बन गए क्योंकि कुछ देशों के टुकड़े हो गए थे एक सौ तिरानवे देश हो गए यूएनओ के अंदर लोकतंत्र का प्रसार हो गया पूर्वी यूरोपीय देशों में जहां जनवादी लोकतंत्र था वहां उदार लोकतंत्र आ गया नौ उपनिवेशवाद का दायरा विस्तृत हो गया एलपीजी आ गई वाशिंगटन सहमति आ गई और चौमस की कहते हैं सहमति गडी जाने लगी प्रेम पूर्वक विभिन्न देशों ने सरेंडर कर दिया पाश्चात्य विकसित देशों के आगे हार्ड पावर कन्वर्ट हो गई सॉफ्ट पावर के अंदर पोस्ट वेस्टफिलियन वार आ गए पोस्ट वेस्टफिलियन वार है कि वेस्टफिलियन वार वो होते हैं जब दो बराबर के देश आपस में लड़ते हैं पोस्ट वेस्टफिलियन वार का तात्पर्य है कि अब एक तरफ हो गए महाशक्तियां इकट्ठी या शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश जैसे इराक के ऊपर 30-35 शक्तिशाली देशों ने मिलकर हमला किया तो युद्ध बराबर की शक्तियों में नहीं हुआ बल्कि हाथी और के वाले युद्ध शुरू हो गए इनको पोस्ट वेस्ट फिलियन वार बोलते हैं जब दो हाथी लड़ते हैं तो वेस्ट फिलियन वार और एक तरफ महाशक्तिशाली देश सारे एक होकर लड़े दूसरी तो तरफ तरह कमजोर देश को कुचल दें इराक को अफगानिस्तान को लीबिया सीरिया में जो कुछ किया गया सिविल वार अब देश आपस में नहीं लड़ रहे थे बल्कि विभिन्न देशों के अंदर सिविल वार या गृह युद्ध शुरू हो गए थे गैर परंपरागत खतरे आ गए पहले एक देश को दूसरे देश से खतरा था अब ऐसा नहीं है अब ओजोन परत का खतरा आ गया है ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई है आतंकवाद फैल गया है ये वायरस आ गए हैं इंटरनेट के वजह से संकट या कंप्यूटर में वायरस आ गए हैं महामारियां फैल रही है ये तो गैर परंपरागत खतरे आ गए देश इनसे डरने लगे अब वासी घटन सहमति आ गई और एलपीजी आ गई से थी है, के नेतृत्व में चलने वाली आर्थिक व्यवस्था आ गई लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आ गया निजीकरण भूमंडलीकरण उदारीकरण ये सब आ गया निजी पूंजी को बढ़ावा देने लगा एमएनसी छा गई सब जगह मल्टीनेशनल कंपनीज और यूएनओ को, को कोई नहीं पूछता था बल्कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन छा गया और यहां तक कि अब सैन्य गठबंधन थे वो महत्वपूर्ण नहीं रहे नाटो सियटो सेंटो बल्कि इसकी बजाय क्षेत्रीय आर्थिक संगठन महत्वपूर्ण हो गए क्षेत्रीय आर्थिक संगठन कौन से ये ईयू महत्वपूर्ण हो गया आशियान महत्वपूर्ण हो गया ये एल्बा महत्वपूर्ण हो गया सार्क जैसे महत्वपूर्ण हो गए सामूहिक सुरक्षा चली गई जो यूएनओ के नेतृत्व में काम करती थी अब अमेरिका के नेतृत्व में सुरक्षा का सामूहिकीकरण कर दिया गया और अब ग्लोबल साउथ आ गया यानी अब दक्षिण के देश यानी एशियाई देश अफ्रीकन देश और अमेरिकन देश होने लगे न्यू अमेरिकन हेजेमनी क्या है देखिए इस शब्द का प्रथम प्रयोग उन्नीस में गोरवा से किया था जब यूएनओ में महासभा को वो संबोधित कर रहे थे लेकिन उनका संदर्भ अलग था वो कह रहे थे कि अब अमेरिका

हेजेमनी का तात्पर्य क्या है देखिए हेजेमनी शब्द है ये बहुत पहले जब सिटी स्टेट चला करते थे तो एथेंस की अन्य नगर राज्यों के ऊपर प्रबलता दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था ग्रामसी ने एक वर्ग जब दूसरे वर्ग के ऊपर वैचारिक प्रभुत्व स्थापित कर लेता है उसके लिए हेजेमनी का प्रयोग किया लेकिन हम यहां अमेरिका की जो शक्ति है अमेरिका की सैन्य शक्ति उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक जो वर्चस्व है इसको मिला के हम अमेरिकन हेजेमनी कर रहे हैं बेदराइन कहते हैं कि अमेरिका हाइपर पावर है और नाय कह रहे हैं कि इसके पास हार्ड पावर भी है सॉफ्ट पावर भी है तो अमेरिका एक स्मार्ट पावर है

इसकी शक्तिशाली हो लेकिन इसकी परोपकारी शक्ति है जो तो दूसरे देशों को तंग नहीं करती हेजेमनी कितने प्रकार की हेजेमनी है तीन प्रकार की हैजेमनी है इन तीनों से मिलके बनती है अमेरिका की हेजेमनी सैन्य वर्चस्व यानी अमेरिका का पूरे संसार पे सैन्य वर्चस्व है अमेरिका ने हर जगह अपनी कमान फैला रखी है हर जगह इसकी सेना बैठी है इसके हथियारों का खर्चा इतना है जितना संसार के साथ बड़े बड़े देश दस बड़े बड़े देश भी नहीं करते तो अमरीका कर देता है तो और ये सेना से है नहीं इसका प्रयोग भी करता है ये डेजर्ट स्टॉर्म इराक के ऊपर जो हमला किया अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यूएनओ के समर्थन से वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सदाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था तब ये चलाया था इसको वीडियो गेम वार भी कहा जाता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ये उन्नीस में, में, चला था जब बिल क्लिंगटन के समय में हमले किए गए थे सूडान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर अलकायदा के ठिकानों पे ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग फ्रीडम 2001 ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन था इसको हम बोलते हैं आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये बुश जूनियर के टाइम था जॉर्ज वाकर बुश के टाइम आतंक के खिलाफ युद्ध ये तब हुआ जब अलकायदा ने अमेरिका के जो ट्विंस टावर से उनके हमला कर दिया था तब अफगानिस्तान में अलकायदा के सफाई के लिए और तालिबान को वहां की शासन सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका और उनके सहयोगियों ने आतंकवाद के समाप्ति के लिए ऑपरेशन चलाया था और अभी एक लंबे समय तक चला छह एक महीने पहले अमेरिका वहां से भाग गया यह था ऑपरेशन ऑपरेशन फ्रीडम फ्रीडम इराकी 2003 को सत्ता में हटाने के लिए अमेरिका और उसके दोस्तों ने उसके ऊपर कब्जा किया था नाटो देशों ने हमला किया था इसका संबंध हैंस ब्लिंक्स की रिपोर्ट से है हैस ब्लिंक्स के नेतृत्व में 2003 में एक रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया कि सदाम हुसैन ने कोई परमाणु बम वगैरह या बम बम नहीं जेविक लेकिन अमेरिका ने फिर भी कब हमला कर दिया था वो तो ब्लिक्स की रिपोर्ट है। हैंस ब्लिक्स को भेजा गया था वहां हथियार ढूंढने के लिए इसको कोई हथियार नहीं मिला लेकिन अमेरिका ने कहा उसके पास हथियार है जॉन चिलकोटे कमीशन ये यूएस में बना था टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का पिछ लगू होके और इराक में सद्दाम हुसैन को जो हटाया था जोन कमीशन ने इसकी गलती बताई थी अपने प्रधानमंत्री की आर्थिक वर्चस्व डॉलर चल रहा है डब्ल्यू के ऊपर अमेरिका छाया हुआ है ब्रेटनवुड ट्विन्स, ये भी अमेरिका के नेतृत्व में काम काम करती है ब्रेटनवुड ट्विन्स या ब्रेटन वुड की जुड़वा दो संस्थाएं मिलकर बनती है एक है वर्ल्ड बैंक और एक है आई एम सॉरी आई एम एफ इंटरनेशनल ये 1900 और 45 में ब्रिटेन वुड्स में पैदा हुए थे वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ शहर अमेरिका का जहां इनका निर्माण किया गया था इनके ऊपर भी अमेरिका का आधिपत्य है तो डब्लू टीओ ब्रिटेन वुड्स डॉलर ये जितने भी और बाकी आर्थिक संरचनाएं हैं इंटरनेट वगैरह सबके ऊपर अमेरिका का कब्जा है और सबसे खतरनाक वर्चस्व है मस्तिष्क पे होता है वो है सांस्कृतिक वर्चस्व इसको सहमति गण बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट बोलते हैं बहुत बड़े विद्वान है अमरीका के ही नोम चोम इसको मैक वर्ल्ड जिहाद बोलते हैं बेंजामिन बारबर मैक वर्ल्ड वर्से जिहाद जिहाद का तात्पर्य है मुस्लिम जो है मैक है अमेरिका का नेतृत्व तो, बेंजामिन बारबर कि मैक संस्कृति अमेरिकन संस्कृति पूरे संसार में छा गई है तो अमेरिका का ये सांस्कृतिक वर्चस्व है निपटे कैसे इसके अलग अलग उपाय हैं देखिए सैन्य संघर्ष में नहीं है आर्थिक रूप से चुनौती दे ही रहे हैं इसको और सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती दी जानी चाहिए अब कुछ समझौते हुए थे के दौर उसके आसपास। पीटीबीटी हुई थी 1963 में पार्शियल टेस्ट और उन्नीस सौ उन, लागू किया गया था भारत ने इसके ऊपर परमाणु अ प्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे ये जरूर याद रखे आप सीटी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी उन्नीस में हुई थी और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं ये समझौते हैं स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेड लिमिटेशन टास्क उन्नीस सौ में ये समझौते ये चारों समझौते हैं इन चारों का संबंध ही यूएस से और यूएसएसआर से है और ये परमाणु बमों की संख्याओं को नियंत्रित करने के लिए स्ट्रेटेजिक आर्म्स जो परमाणु बम ढोने वाले आर्म्स टास्क उन्नीस बेहतर में शुरू हुई हुई थी साल्ट सेकंड ये 1979 में हुआ था लेकिन अफगानिस्तान में जब यूएस ने आक्षेप कर दिया तो यह समाप्त हो गया था साल्ट सेकंड तो ये ये पूछते हैं साल्ट फर्स्ट कब हुआ साल्ट सेकंड कब हुआ इनके फर्स्ट फॉर्म क्या है टी का मतलब यह टास्क है ये लिमिटेड करना है हथियारों को ये है रिडक्शन करना है बने हुए हथियारों को घटा देना है यह स्ट्रेटेजिक एसटी का स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रायटी 19 कान में, में और स्टार्ट सेकंड हुई थी 199 में, में तो ये हमने ये इसके ऊपर जरूर कुछ आता स्टार्ट सार्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजिक ऑफेंस ट्रीटी ट्रायटी ऑर्गेनाइज़े सही मिलान ये कुछ ना सुर करते हैं प्रोस्टमा ठीक है संकर दिवान राजनय हेनरिक सिंजर का पोस्ट ऑपरेटिक पूरक देखो नीतीश विल्ली ब्रांड की ठीक है कगारवाद चिकन थ्योरी का रूप है बिल्कुल सही है ये जिराल्ड फोर्ड का तो नहीं है बल्कि ये जोन फोस्टर डलेस का है स्टार वॉस प्रोग्राम हथियार प्रतिस्पर्धा রোনালड रीगन ठीक सही मिलान नहीं सिद्धांत है मुन्तनीसो त्रेस्ट अमरीका नहीं आया था अठारह तो सौ में आया था इसका कोई संबंध नहीं प्रस्ताव ये तब आया था जब कोरिया युद्ध हो रहा था उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का सिद्धांतों के प्रणेता का मिलान करना है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये है का सीमित संप्रभुता पूर्वी यूरोप के संदर्भ में 1968 में ब्रेज ने डोमिनो थ्योरी दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में सीएटो का निर्माण जोन फोस्टर डलेस के और और ग्लास ये आपकी रटी पड़ी है गोरवा की ये शीत युद्ध का संबंध नहीं है इनका इन दोनों का सही मिलान कीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट सहमति गणना नोम चोमस्की पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड फरीद जकारिया जेहाद वर्सेस मैकवर्ड अभी करके आते हैं बेंजामिन बारबर मैड थ्योरी ये थ्योरी ये बुक नहीं है मैं माफी चाहूंगा म्यूचुअल एश्योर डिस्ट्रक्शन ये है हरमन कान की ये थ्योरी है आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध ये किसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को बोलते हैं 2001 में जो शुरू हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर शीत युद्ध की अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीति में परिवर्तन का सूचक था भारत संघीय व्यवस्था में सभी को समान <laughs> सही काल कर्म कर्म व्यवस्थित करें और नीचे दी गई कुटों का सही उत्तर का चयन करें देखिए पीछे वाला क्वेश्चन गलत हो गया टाइप में कुछ ऊपर कुछ लिख दिया नीचे कुछ लिख दिया बर्लिन की दीवार का पतन क्यूबन मिसाइल संकट कोरियन युद्ध बर्लिन नाकाबंदी ये हुई 1948 में ये शुरू हुआ 1950 में ये आया 1962 में और बर्लिन की दीवार का पतन हुआ 1989 में तो ये तो उल्टा हो गया चार तीन दो एक चार तीन दो एक ये तो डी के अंदर है बेलवेट डाइवर्स से अभिप्राय है सोवियत संघ का प्रेम पूर्वक विघटन युगो का तो बहुत खतरनाक विघटन था तो लड़ाई के बाद हुआ ये शांति से हो गए थे तो ये हमने एक और टॉपिक किया शीत युद्ध तो आप मेरे साथ लगातार बने रहे आपका तहे दिल से धन्यवाद देखिए अब मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन बचे हैं और भारत की विदेश नीति बची है और पड़ोसी देशों के साथ संबंध बचे इन्हें फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं तो इनको मैं आपको मेरे करवाने का कोई मूड नहीं है अब मैं आपको वो टॉपिक करवा दूंगा सोमवार को कोशिश करूंगा जो नए जुड़े हैं बाकी आप कर लें। तो थैंक यू आपने मुझे खूब रेस्पॉन्ड दिया खूब रेस्पॉन्स दिया आपने मुझे आपको बिल्कुल एनर्जी बख्शी कि मैं आपको ये सारे काम करवा पाऊ कोशिश रहेगी ऐसी सेवा मैं भविष्य में भी आपके लिए जारी रख पाऊ थैंक यू थैंक यू वेरी मच आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप मुझसे जुड़े रहे लगातार जुड़े रहे खूब रेस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से